हेलो फ्रेंड्स, जय सी एल सी। तो आज फिर हम लोग गुरुनीति के एपिसोड 45 में आ रहे हैं और मैं किशोर सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं मैं मनीष। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आज हम जो 45वीं गुरुनीति है उसमें सबसे लास्ट का टॉपिक है उसको लेके जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारा है वेव ऑप्टिक्स। तो जैसे कि आप जानते हो तरंग प्रकाश की नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें जैसे मेनली पर बात करें तो जैसे आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अपन यहाँ डिस्कस करेंगे या डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसमें जो एक पोर्शन का ये भी आता है आपका कौन सा डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी है। और यहाँ इन तीनों से ही मेनली क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं और नीट में इन तीनों से ही क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो वैसे नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो करें शुरू सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है Which of the following is false for interference of light? तो प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कौन सा कथन है वो गलत है, अपने को इसमें गलत कथन है वो पहचानना है। तो ये सारा कंडीशन ऑफ जो इंटरफेरेंस है उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछ जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोहेरेंस ऑफ द सोर्स इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो अपन जानते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए या सिंपल जो आपका ध्वनि का व्यतिकरण होता है उन सब के लिए जो आवश्यक शर्त होती है वो होता है प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबंध यानी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होने चाहिए। क्यों सोर्स क्यों सर, बात तो बिल्कुल ठीक है। यानी पहली कंडीशन ये होती है और इसका मतलब क्या होता है, कला संबंध का मतलब क्या होता है, क्या इसका मीनिंग क्या होता है। कोहेरेंस बोलते हैं हम लोग जो फेज है वो चेंज नहीं होता टाइम, यानी जैसे कोई दो वेव हमारे पास है तो एक की फेज है दूसरे के फेज जो है उनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट आपका कांस्टेंट है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो डेल्टा फाई आपका है वो टी की पावर जीरो पे डिपेंड कर रहा है, बात सीधी सी है, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है। और ये तो पहली शर्त होती है जो टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो पहली बात पढ़ाना अपन ही शुरू करते हैं इसकी। अच्छा, फिर कह रहा है कि मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न Need not to be of zero intensity. ये कह रहा है कि व्यतिकरण प्रारूप का निम्निष्ट के लिए तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर दोनों सोर्स समान तीव्रता के हैं, समान आयाम के हैं, उस कंडीशन में जो आपकी आई मैक्सिमम आती है या आई मिनिमम आती है, तो अपन अगर आपको ध्यान हो तो आई न्यूनतम शून्य होता है। पर अगर दोनों प्रकाश स्रोत कैसे असमान आयाम के हों, अलग अलग तीव्रता के हों, उस समय आई न्यूनतम जीरो नहीं होती है। तो वहां पे अपन पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इंटरफेरेंस में जो आई न्यूनतम है वो जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, उसके भी फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे तो वहां और आगे से बता देंगे उसको। तो यहां पर ये है कि शून्य होना आवश्यक कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल ही बात तो स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि यानी ये भी आपका सही था, दूसरा भी सही है, यानी स्टेटमेंट तो सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। फिर कह रहे हैं कि व्यतिकरण साधारणतः प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण करता है, इंटरफेरेंस सिंपली redistributes light energy without destroying any of it. तो यहाँ ये भी अपन बात बिल्कुल पढ़ते हैं, ये तो energy conservation principle best होती है और जहाँ interference आपका constructive है वहाँ पे energy ज़्यादा transfer होती है और जहाँ पे destructive है वहाँ से transfer आपको जाती है। energy आपकी only place है उसके according आपकी distribute हो रही है, loss of energy कितना होता है, zero होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर आते हैं अपन last statement में, ये कह रहा है कि the minima of the interference pattern must always be of zero intensity. ये जरूरी नहीं है भाई, अभी अपने बात की थी इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ इस वाले सेकंड वाले में कि इंटरफेरेंस में व्यतिकरण में जहां मिनिमम बनता है वहां तीव्रता शून्य भी हो सकती है, अशून्य भी हो सकती है। शून्य कब होती है, जब दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होते हैं, आपके समान आयाम के समान तीव्रता के होते हैं। तो जैसे मान लो फिर बात करें अपन इसमें, तो जैसे इंटरफेरेंस में अपन पढ़ते हैं इंटेंसिटी आई, तो इंटेंसिटी आई या अपन बात करते हैं आयाम से, तो आपको मालूम है आयाम जो ए आपका रिजल्टेंट होता है वो होता है कितना है, A1 प्लस A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस कितना होता है 2A1 A2 cos phi, phi यहां पे होता है फेज डिफरेंस AR स्क्वायर। और अगर अपन इसमें बात करते हैं देखो IR, जैसे ये मैंने लिखा है यहां पर AR, तो यहां इसको स्क्वायर कर दो, चाहे इसको ओपन कर दें रूट, ये हमारे पास इसकी थी आयाम की वैल्यू। यदि अपन देखें इसकी परिणामी तीव्रता तो IR होता है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2
रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ये फॉर्मूले होते हैं अपने। ये कब है, जब दोनों आयाम कैसे अलग अलग हों, तीव्रताएं कैसे अलग अलग हों। ये ए वन ए टू, यहाँ पे आई वन आई टू क्या है, जो अपने दो प्रकाश स्रोत हैं उनसे निकलने वाले तरंगे हैं, उनके आयाम उनकी तीव्रताएं हैं, ये अपन जानते हैं। अब अगर मान लो इसमें और इसमें, मैं ऐसे कह दूं कि ए वन बराबर ए टू बराबर, में मान लो इसको कितना ए, इसी प्रकार से मैं कह दूं यहां मान लो आई वन इज इक्वल टू आई टू, इसके ऊपर मान ले आई, ये इसको ए नोट इसको माई नोट मान रहा हूं। यानी दोनों प्रकाश स्रोत कैसे हैं, समान आयाम के हैं। कैसे कैसे हैं, ए नोट के। दोनों प्रकाश स्रोत कैसे हैं, समान तीव्रता के। किससे कैसे हैं, आई नोट के। अब इनको अपन यहां वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान लो मैं यहां लिखता हूं ए नोट का स्क्वायर, ए नोट का स्क्वायर टू ए नोट इन टू ए नोट, तो फिर ए नोट का स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास कोस फाई आ गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो तो हमारे पास ए आर कितना आ जाएगा, बोलो सर ए आर हमारे पास कितना आना चाहिए। तो ये 2a, 2a नोट स्क्वायर, ये 2a नोट स्क्वायर, तो उसको अपन कॉमन ले लेंगे क्या, कॉमन ले। तो 2a नोट स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1, 1 प्लस cos phi, और इसका हो गया आपका रूट। और 1 प्लस cos phi तो अपने फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर phi बाई 2। तो इसको भी नोट कर देते हैं, तो ये हो गया सर जी 2 a नोट स्क्वायर इंटू, यहां अपन लेते हैं इसको 2 और cos स्क्वायर phi बाई 2। अब इसका अपन रूट लेंगे, तो देखो 2 2 का रूट कितना हो गया 2, a नोट का स्क्वायर हो गया कितना a नोट, और ये हो गया आपका cos phi बाई 2। तो अगर दोनों प्रकाश स्रोत अलग अलग आयाम के हैं तो इससे अपन प्रश्न करेंगे, और अगर वो कैसे हैं आपके समान आयाम के हैं तो उस केस में आपका आ गया 2 a नोट cos phi बाई 2। यहां पे a नोट क्या है, एक प्रकाश स्रोत की आयाम की वैल्यू है। अब या तो देखो अपन इसी का स्क्वायर करके तीव्रता निकाल लें, या फिर अपने पास ये फॉर्मूला पड़ा है इसे भी अपन काम कर सकते हैं। तो जो भी अपने इसके मेनली फॉर्मूले हैं, पहले हम सारे के सारे अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटरफेरेंस के, उसके बाद हम क्वेश्चन सब आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ये मेरे पास आगे तीव्रता आयाम का वैल्यू आ गया। अब अपन याद करते हैं इसी फॉर्मूले से, यदि आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट हो तो उस केस में इसकी तीव्रता कितनी आएगी, तो बताओ ये कर दो इसको आई नॉट, आई नॉट आपका 2 इंटू आई नोट इंटू आई नोट cos phi आ गया, तो ये हो गया आपका 2 आई नोट, ये है आपका कितना आई नोट का स्क्वायर, फिर 2 आई नोट, तो ये भी 2 आई नोट प्लस कितना 2 आई नोट cos phi, इसमें से अपन 2 आई नोट कॉमन ले लेंगे। तो देखो इसका आई आर हम लिखेंगे, तो 2 आई नोट में यहां ले रहा हूं कॉमन, तो ये मेरे पास रह गया शेष 1 प्लस cos phi। अगेन 1 प्लस cos phi अपन जानते हैं कितना होता है, 2 cos square phi by 2, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो 2 into कितना 4 गया सर, तो 4 i नॉट, और ये हो गया cos square phi by 2। तो पहले तो आप जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ar का फॉर्मूला, ir का फॉर्मूला, उसके बाद ar का और ये ir का, ये फॉर्मूले आपको ढंग से याद होने ही चाहिए, ठीक है भाई। तो अब अपन बढ़ते देखो आगे, ये आपने देख लिया, अब आगे बढ़ता हूं। जैसे आपने समझा कि आई जो इसकी रिजल्टेंट है वो हमारे पास है कितनी, आई वन प्लस आई टू प्लस कितना देखो 2 रूट ऑफ आई वन इंटू आई टू, ये है cos phi, ये तो बनेगा। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि आई आर जो मैक्सिमम है वो कितनी पॉसिबल है, तो मैक्सिमम के लिए cos phi सर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इसको 1 मान लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, ये आगे आई वन प्लस आई टू प्लस 2 ऑफ रूट ऑफ आई वन इंटू आई टू, ये है व्यतिकरण में अधिकतम प्रकाश की तीव्रता हो सकती है रिजल्टेंट। न्यूनतम के लिए cos phi कितना होना चाहिए, -1, तो उस केस में अगर अपन निकालते हैं आई रिजल्टेंट मिनिमम, तो ये हो गया देखो आई वन प्लस आई टू प्लस, देखो cos phi के प्लस एक होने पर ये आ जाएगा मैक्सिमम, और cos phi के न्यूनतम -1 होने पर, इसको -1 करूंगा तो गुणा करने पर यहां का माइनस आ गया, तो ये देखो हमारे पास वैल्यू आ गई यहां पर माइनस का 2 ऑफ रूट ऑफ आई वन इंटू आई टू। तो तीव्रता अधिकतम भी आ गई, न्यूनतम भी आ गई, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। यदि इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से यदि हम आपसे पूछें कि आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम
और इसी से अपन ज्ञात करें इसका आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इनको अपन जोड़ेंगे, ये प्लस का माइनस ये से कैंसिल, तो कितना ये इन दोनों जोड़ दो भाई, तो कितना 2i1 और 2i2, तो इससे देखो i मैक्सिमम और इनका दोनों का सम करूंगा तो ये हो गया 2 ऑफ i1 प्लस i2। दूसरा यदि करता हूं इसमें डिफरेंस, तो इसमें से इसे उठा दूं, तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यदि मैं इसको यहां लिख दूं ऐसे, यदि इसको मैं माइनस करता हूं तो देखो क्या बन गया, माइनस करने पे तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये सर कैंसिल हो गया, ये आपस में ऐड हो गए, तो ऐड होती है हमारे पास वैल्यू सर कितनी आई, आप नोट कर दें इसको, और स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम भी आ गई, न्यूनतम भी आ गई, हमारे पास दोनों का सम भी आ गया, इनका डिफरेंस भी आ गया, तो इसी से अपन निकालते हैं, एक इसमें आता है f डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस। तो डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस जो अपन कहते हैं, दो तरह से हमारे पास इंटरफेरेंस साउंड का भी होता है और लाइट का भी होता है, तो ये जो डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस यहां पे शो करता है लाइट के लिए हो तो ऑर्डर ऑफ विजिबिलिटी शो करेगा, और अगर मान लो ये साउंड का है तो ये आपका ऑर्डर ऑफ हियरिंग को शो करेगा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही बेस्ट होगा। तो देखो यदि इसका जो फॉर्मूला अपन लिखे तो ये होता क्या एक्चुअली, ये होता है आई मैक्सिमम माइनस का आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। हमने इनकी वैल्यू पहले से फाइंड कर ली है, तो इन दोनों में देखो माइनस का अपन लेते तो कौन सा मेरे पास है, 4 ऑफ रूट आई वन इंटू आई टू, और हमारे पास सम उल्टा तो लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, और सम इसका है कितना 2 ऑफ 2 इंटू आई वन प्लस आई टू, इससे इसको अपन कर दें कैंसिल, तो 2 आई वन आई टू अपॉन ये आ गया 2 रूट ऑफ आई वन इंटू आई टू अपॉन आई वन प्लस आई टू। अच्छा अब देखो सर ये फॉर्मूला बच्चों ने याद कर लिया, और मोस्ट इक्वेशन कैसे आते हैं कि मान लो ऐसे बोला कि जो अभी I1 I2 क्या बच्चों, I1 I2 तो दो प्रकाश स्रोत थे उनकी तीव्रताएं थी ना, हाँ तो देखिए जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि I2 equal to 2 I1 कि दूसरे प्रकाश की जो तीव्रता है वो पहले वाले से कितनी डबल है, तो हमको यहां देखो ये जो रेशियो जो हमारे पास है ना ये आपको मिल जाएगा, तो उस केस में I2 जैसे मान लो इसको अपन लिखे ऐसे, या एक कॉमन फॉर्मूला बना दूं आपके लिए ऐसे कि मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि I2 is equal to बीटा into I1, ये मान लिया मैंने, तो सर हम इसको यहां लिख दें I2 को बीटा I1, ऐसे अपन बच्चों को ऐसे समझ जाएंगे I1 तो से बाहर, हाँ बिल्कुल, तो उस केस में देखो यहां क्या लिखे I1 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल यहां I1 तो क्या बन जाएगा बीटा I1 स्क्वायर रूट के बाहर I1 आ जाएगा, यहां भी I1 प्लस बीटा I1, तो ये ऐसे अगर लिख लिया तो मैं इसकी हाँ बीटा प्लस वन, ये सिंपल सा फॉर्मूला कह रहे थे, ये हमको याद कर लेना चाहिए ताकि शॉर्ट में आंसर इसके अपन याद कर सकते हैं, तो ये मोटे तौर पे आपके फॉर्मूले आ गए। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या था कि इंटरफेरेंस में जहां पे निम्निष्ठ बनता है उस निम्निष्ठ पर तीव्रता जो न्यूनतम तीव्रता है आई आर मिनिमम, ये तो देखो डिपेंड करता है ना कि आई वन आई टू किस प्रकार की, अगर मान लो आई वन आई टू बराबर है उस केस में आप चेक करो, बराबर नहीं है तो चेक करो, तो यहां जो आप इसको देखो यहां पर कि अगर I1 is equal to I2 है तब और I1 not equal to I2 है तब, हमारे पास दो केस हैं, दोनों बराबर हैं तो तीव्रता कितनी आ जाएगी न्यूनतम 0, और बराबर नहीं है तो तीव्रता आपकी नॉन जीरो आ जाएगी, तो निम्निष्ठ पर तीव्रता का शून्य होना व्यतिक्रम की आवश्यक शर्तों में गिना नहीं जाता है, और इसलिए हम इसका आंसर है वो क्या बताए थे आपको, ये जो आंसर आप देख सकते हो यहां, इसका आंसर क्या था सर, फोर्थ वाला ठीक है, शून्य शून्य होना, शून्य नहीं शून्य होना चाहिए, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे भाई, तो इसका फोर्थ आंसर आपका आ जाएगा। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो सर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, बाय हजन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ, अब इसमें चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, पहला इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन, ये सबको हम लोग वेव नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर आता है, आइंस्टाइन ने इसको पार्टिकल नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन किया था, तो इसका जो ये तीसरा आंसर है, तीसरा आंसर इसका सही आ जाएगा, बढ़े आगे, हाँ ओके, तो अगला क्वेश्चन है सर, द टू कोरेंट पॉइंट सोर्स S1 एंड S2
आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी एज शोन द फिगर ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन विल बी फ्रिंजेस यहां पर फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगे इसमें क्या है दो यहां पर सोर्सेस हैं स्क्रीन के पोजीशन को कहां रखेंगे उस पर डिपेंड करता है अगर इस जगह रखा यहां रखा यहां रखा तीन एक्सिस हम लोग मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस मान लें इसको वाई एक्सिस मान लें और इस तरफ जेड एक्सिस मान लेते हैं अगर स्क्रीन को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है ये दोनों एक ही लाइन में है यहाँ पर हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है लेकिन यहाँ रख दें यानी कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर स्क्रीन को रखा या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर स्क्रीन को रखा तो यहाँ पर हमें हाइपरबोलिक कर्व मिलता है तो अभी इस कंडीशन में क्या आंसर होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल्स समकेंद्रीय वर्ग के रूप में भी अपन जो YDSC पढ़ते ना तो YDSC में सर जैसे अपन बात कर रहे थे यहां इसमें अगर मैं स्क्रीन को यहां मानता हूं जेड एक्सिस पर तो वहां तो अपन S इस रूप में मोड में पढ़ते हैं S1 S2 हमारे पास यहां सोर्स पर ये कैपिटल D पोजीशन लेते हैं यहां स्मॉल D पर लेते हैं या अपन यहां पे लेंगे तो इस तरह से हो गया बात समझ रहे हो ना जैसे सर ने बताया अभी कि S1 S2 अपन यहां ले रखे हैं तो अगर मैं यहां लेता हूं स्क्रीन इस तरह से या लेता हूं स्क्रीन में ठीक इसके यहां इसमें यहां लेता हूं या यहां लेता हूं बात एक ही है पर इसको यहां ले रखा है तो यहां ये क्वेश्चन आपका जी मेन सर पूछा भी गया पहले हां ये क्वेश्चन पूछा गया पर एनसीईआरटी का एक शानदार ये कांसेप्ट है तो देखो इससे मेनली जैसे आंसर तो आपका हो गया हल्का सा समझना हो कि ये स्क्रीन आपकी बड़ी स्क्रीन है ये कोई लाइन नहीं है एक स्क्रीन पूरा पर्दा है बहुत बड़ा है इसमें और उस केस में देखो मान लो कोई पॉइंट अपन यहां लेते हैं तो इस पॉइंट पे लाइट यहां से पहुंच रही है इसकी भी पहुंच रही है अगर इन दोनों का पार डिफरेंस अगर यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन को शो कर रहा है यानी आपका संपोषी व्यतिरेक कर रहा है तो ये तो पूरा स्क्रीन है ना ये इस प्रकार की पूरी एक सर्कल के रूप में कंडीशन बन सकती है और उस सर्कल की हर पॉइंट पे क्या बनेगा एक तरह से संपोषी व्यतिकरण होगा तो वहां क्या बन जाएगी आपकी चमकीली फ्रिंज बन जाएगी अब उसके बाद मान लो कोई पॉइंट यहां लिया मैंने यदि पॉइंट मैं यहां लेता हूं देखो यदि पॉइंट यहां ले लिया ये तो यहां दोनों के प्रकाश पहुंचेंगे अगर मान लो इस पॉइंट पे दोनों का पथांतर है वो विनाशी व्यतिकरण शर्त पूरा करता है तो उस केस में यहां विनाशी बन गया पर ये कैसे केवल एक पॉइंट नहीं है ये पूरे स्क्रीन पर इस प्रकार के चारों तरफ एक सर्कल के रूप में बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे उन सब पॉइंट मिला देंगे तो फिर यहां पे देखो इससे बन गई चमकीली फ्रिंज ये बन गई काली फ्रिंज फिर चमकीली काली इस प्रकार के आपके समकेंद्रीय वृत्त बन जाएंगे और इसलिए हमारा आंसर आपका 4 था वो सही चला जाएगा और अगर यहां पर हम लोग स्क्रीन रखते हैं यहां पर स्क्रीन रखते हैं मान लिया कि यहाँ पर रखा है कोई एक पॉइंट अगर कंसीडर करेंगे उस पॉइंट पर ये S1 है ये S2 ऐसे मान लेते हैं बिल्कुल अब इस पॉइंट से इसको मिला दें पाथ डिफरेंस जो होता है डेल्टा x ये कांस्टेंट होता है चाहे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लें या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लें एक खास वैल्यू होती है हम लोग n लैम्डा कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो ये जो n लैम्डा है अगर पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है n की वैल्यू हम लोग 1 ले लें तो ये लैम्डा तो कांस्टेंट है यानी ये पाथ डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा S1P और S2P का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कांस्टेंट है और ऐसा कोई अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हाइपरबोलिक कर्व होता है यस तो आपको दो इसके आंसर याद रखने चाहिए अगर इस रूप में है स्लिट तो आपकी ये बन जाएंगी कैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स और अगर इस रूप में आप यहां रखते हो इसी को मॉडिफाई यहां कर दो आप तो सर कैसे बनेगी हाइपरबोलिक यानी आपकी अति परवलय अति परवलय हाइपरबोलिक टाइप से बन जाएगी तो बढ़े सर आगे तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं तो ये क्वेश्चन है देखो लाइट वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम बट साउंड वेव कैन नॉट डू सो तो मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश जो तरंगे होती हैं वो वैक्यूम से निर्वात से मूव कर जाती हैं साउंड वेव नहीं करती हैं तो आपको गलत कथन है वो बताना है तो वेव जैसे मेनली अपन बात करते हैं तो साउंड वेव और लाइट वेव के रूप में बात करते हैं तो आपको मालूम है जो EMW होती है जो ये तो लाइट वेव होती है सर और इनको तो ट्रांसमिट या प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम है उसकी आवश्यकता नहीं होती है तो ये पहला तो क्या कह रहा है कि light wave are transverse electromagnetic waves and do not require any medium for their propagation ye sahi hai sir ye to bilkul sahi hai acha dusra kya keh rahe hain sound wave are longitudinal mechanical wave and require inertial and elastic medium for their propagation bilkul sir the hoti hai sir ye bilkul sir hai na bhi jo sound wave hai unki transmit hone ke liye to mechanical inertia ye to zaruri hota hai na to bilkul statement bilkul sahi hai sir
फट क्या कर रहा है सर देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर ऑल ट्रांसपेरेंट मीडिया इज सेम। हम लोग पढ़ते हैं वाटर में अलग है, ग्लास में अलग है, तो यहाँ सेम लिखा है। ये गलत हो गया? ये गलत है। अच्छा, यानी आपका कहने मतलब हो गया कि जो v अपन लेते हैं होता है c by v। जैसे ही लाइट अलग-अलग फ्री स्पेस से किसी मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसका v है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा, इसमें सेम तो नहीं आएगा। दूसरी बात, एक मीडियम भी सेम, एक मीडियम के अंदर भी सेम नहीं आएगा, जैसे आर पार दिखने वाले सभी माध्यमों की तो बात है ही है। आप ये भी जानते हो जैसे एक मीडियम भी जो आपको म्यू प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, ए प्लस कितना बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। एक माध्यम भी आपको मालूम है कि वो भी अलग अलग जो लैम्डा होती है उनके लिए अलग अलग म्यू प्रोवाइड करता है। यहाँ तो बिल्कुल माध्यम ही आपके डिफरेंट है, तो माध्यम के डिफरेंट होने पे म्यू डिफरेंट आएंगे, म्यू डिफरेंट होने पे आपके वी भी कैसे डिफरेंट आएंगे, और वी डिफरेंट है तो डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट फॉर ऑल ट्रांसपेरेंट मीडिया इज सेम। सेम नहीं होती, कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है बात, वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर ऑल ट्रांसपेरेंट मीडिया इज डिफरेंट, ये सही बात है। इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। फोर्थ सही है, थर्ड लिख देंगे। बढ़े आगे, थर्ड लिख देंगे उसका। कौन सा? 1, 2, 4 सही है। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट सही है, अपने क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, हो गया। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से तो कैसे गलत हो गए, ये गलत हो गया। अच्छा हाँ, बिल्कुल अपन इसमें गड़बड़ बोल गया क्या, यानी ये नहीं, नहीं, सब कुछ सही है, ये सही है अपना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, और अपने को गलत ही तो पहचानना था, इसलिए अपना आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कि इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्वड इन इंटरफेरेंस चैम्बर व्हेन एयर वाज प्रेजेंट, नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड इफ द सेम लाइट इज यूज्ड ए केयरफुल ऑब्जर्वर विल सी। तो पहले क्वेश्चन को समझो आप। देखो कि पहले हम लोगों ने जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो किया है पहले किसमें, एयर में, ठीक है साहब। उसके बाद उसको अपन ने इवैक्यूएटेड मतलब हो गया फ्री स्पेस, यानी बाद में उसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया, एक कमरा था, कमरे में से वायु को अपन ने गायब कर दिया, सीधी बात ही है। तो इसको अपन कहते हैं कि बाद का एक्सपेरिमेंट कहां है, फ्री स्पेस में है, ठीक है साहब। इसका मतलब बात हो गया। तो अब इसमें तो लैम्डा है कौन सी आपकी, लैम्डा एयर, और यहां लैम्डा है कौन सी आपकी, फ्री स्पेस, या इसको अपन कहते हैं लैम्डा नॉट। अब मीडियम में जो अपन जानते हैं, ये मैंने लैम्डा लिखना था, ये देखो लैम्डा आपका है एयर, अब ये फ्री स्पेस का है, ये आपका लैम्डा एयर है, लैम्डा मीडियम होता है क्या, लैम्डा अपॉन म्यू। अब इसका तो म्यू होता है एयर का म्यू, सॉरी निर्वात का म्यू कितना होता है 1, और इसका म्यू जो होता है वो आपका है मालूम है म्यू 1 से बड़ा है, तो म्यू के 1 से बड़े होने पर इसकी लैम्डा कैसी कम आ गई। तो मेन जो क्वेश्चन है वो ये है था कि पहले हम एक्सपेरिमेंट को वायु में कर रहे थे, अब उसको कहां कर रहे हैं, हम निर्वात में कर रहे हैं, तो वायु में इसकी लैम्डा थी कम और फ्री स्पेस लैम्डा हो गई ज्यादा। तो यहां प्रयोग को यहां से ऐसा शिफ्ट करने पर सिर्फ फर्क ये पड़ा कि लैम्डा हो चुका है सभी इंक्रीज। अब इसके लैम्डा के इंक्रीज होने का क्या इफेक्ट होता है इंटरफेरेंस पैटर्न पर, वो हमको देखना है। तो आपको मालूम है जो इसकी फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, वो होती कितनी, लैम्डा इनटू डी अपॉन डी होता है। अब ये कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो आपके उपकरण के प्रॉपर्टीज हैं, डी ये तो कांस्टेंट है, इसलिए आप देखो यहां से उसमें जाने पे लैम्डा आपकी इंक्रीज होगी, तो लैम्डा की इंक्रीज होने बीटा भी आपकी बढ़ जाएगी, इसका मतलब फ्रिंज जो है वो छोटी हो जाएंगी, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो अब इसलिए अपन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है सर, देखो कोई व्यतिकरण नहीं होगा, व्यतिकरण तो होगा, बिल्कुल। अच्छा व्यतिकरण होगा तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और लाइट ही बनेगी, डार्क सब बनेंगी, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस विद ओनली ब्राइट बैंड्स, इंटरफेरेंस विद डार्क बैंड, यानी इंटरफेरेंस होगा और डार्क भी होगा, नहीं सब 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 कुछ होंगे, इसका मतलब ये तो सब गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब कह रहा है कि इंटरफेरेंस इन विच विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड, बिल्कुल ठीक बात है, इंटरफेरेंस होगा कैसे, थोड़ी ज्यादा चौड़ी फ्रिंज विड्थ वाली फ्रिंज के साथ। इसका आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ। ओके बड़े नेक्स्ट। हाँ सर, तो देखें किसने क्या कह रहा है, बताओ। क्वेश्चन में लिखा है द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाय, यानी एक तो वेव नेचर है, दूसरा पार्टिकल नेचर है, यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस,
ये दोनों वेव नेचर के बेसिस पर, हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें सिर्फ वेव नेचर आया, इसमें सिर्फ पार्टिकल नेचर आया। डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की बात करें, यहां भी दोनों सिर्फ वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है डिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो एक यहां पर वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा पार्टिकल नेचर से। तो इन दोनों में ड्यूअल नेचर आ रहा है। यानी क्वेश्चन अपन से पूछा ड्यूअल दोनों की कौन सा शो कर रहा है, तो बिल्कुल आपका आंसर है वो फोर्थ आ जाएगा। बढ़े सर आगे। बिल्कुल ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जो अपन पढ़ रहे थे उसका अपन अभी यूज करेंगे ना। तो देखो अब टू बीम ऑफ लाइट हैविंग इन इंटेंसिटीज आई एंड फोर आई इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन। यानी आप ये देखो कि ये तो हो गया हमारे पास कितना आई वन, और ये हो चुका है आई टू। आई वन और आई टू के हमारे पास वैल्यू आ गई, ये है आई और ये हो गया देखो फोर आई। ये दो हमारे पास जो प्रकाश स्रोत थे उनकी तीव्रताएं आ गई। अब कह रहा था द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज पाई बाय 2 एट ए पॉइंट ए। ए पॉइंट के लिए पाई बाय 2 है और बी पॉइंट के लिए कितना है पाई। देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड बी। तो देखो अपने पास ये तीव्रता है आई वन तो आई है, आई टू कितनी फोर आई है, और हमारे पास दो पॉइंट है फोर पॉइंट ए। जो फेज डिफरेंस आपका फाई था वो था क्या सर पाई बाई टू, और जो पॉइंट आपका दूसरा है फोर पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए आपको दे रखा है फाई पाई सर पाई था दो, तो बी पॉइंट के लिए पाई था। आपको पूछा है यहां जो नेट इंटेंसिटी बनती है उनका रिजल्टेंट है उनका डिफरेंस ज्ञात करना, डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो देखो यहां पे पाई बाई टू से अपन देखें तो हमारे पास है आई रिजल्टेंट, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो आई प्लस फोर आई और प्लस ये आपका है टू इंटू रूट ऑफ आई इंटू फोर आई और इंटू कोस पाई बाई टू कोस 90, यानी हो गया जीरो। इसका मतलब ये तो पूरी प्रॉपर्टी हो गई जीरो। तो इसका मतलब है आई प्लस फोर आई यानी फाइव आई, उसको फाइव आई लिख सकते हैं, ये होगी फाइव आई। तो सर अब इसमें इसको अपन देखें तो पाई के लिए कितनी हो जाएगी माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगी। यस yes. ये आई प्लस फोर आई फाइव आई माइनस आई, तो इसका मतलब ये इसको करने पर वन, या इसको आई आर ए कर देता हूं और ये हो गया आपका आई आर बी। तो आई प्लस फोर आई और कोस पाई माइनस क्या बन होता है यस टू इंटू टू आई, तो ये फोर आई ये फोर आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास i आ जाएगा। I. अब इन दोनों का difference. Difference find करना तो है। 5 i minus i कितना हो गया? 4 i. तो ये आपका difference है, वो मिल गया। तो अब देखें अपने question में इसका answer कितना जाएगा? 4 i. Second. Very good. तो अभी जो अपने पढ़ा सारा काम आ गया सर। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं next question में। हाँ सर देखिए क्या कर रहा है question ये। As a result of interference of two coherent sources of light, energy is. अब इसमें क्या लिखा है कि interference हो रहा है तो energy का क्या होता है? Energy का सिर्फ redistribution होता है। जहां constructive interference है वहां energy बढ़ जाती है, जहां destructive interference है energy कम हो जाती है, लेकिन total energy constant रहती है। Constant रहती है। बिल्कुल। तो पहला लिखा है increased, increased तो total होगा नहीं। Redistributed and distribution does not vary with time. Position के साथ बदलता है, जहां constructive है वहां पर और जहां destructive है वहां पर, अलग अलग जगह energy अलग अलग होगी। Time के साथ नहीं बदलता है, position के साथ बदलता है। तो यहाँ लिखा does not vary with time, सही लिखा है। और यहाँ पे लिखा है changes with time, तो ये statement गलत है, ये statement सही है। Increase decrease नहीं होता बल्कि redistribution होता है। बिल्कुल। तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो जैसे सर की जो बहाव उसको अगर मैं समझूं तो देखो जैसे अपन शुरुआत में करते हैं ना बात करते हैं कि जो अपन प्रकाश स्रोत लेते हैं व्यतिकरण में, यदि उनका फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन होता, टाइम पे डिपेंड करता, जैसे अपन पढ़ते हैं बिट्स। बिल्कुल सर। तो बिट्स में क्या होता है जैसे आपका जैसे मान लो इंटरफेरेंस आपने अगर देखा हो तो जो उसका पैटर्न बनता नहीं हूं, जो मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं उसमें ये आपका मैक्सिमा है, यहाँ मिनिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा ऐसे बनते हैं। तो देखो यहाँ होता है क्या कि इंटरफेरेंस में अगर इस बिंदु पे तीव्रता आपकी अधिकतम हो चुकी तो वो हमेशा समय के साथ अधिकतम ही रहेगी,
वो बदलती नहीं है। यहाँ अगर न्यूनतम बन गया तो आपका मिनिमम ही बना रहेगा, वो टाइम के साथ बदलता नहीं है। अगर ये बात अपन करते हैं इसी की, कौन से बिट्स पे अगर पढ़ो आप, आपने वेव मोशन पढ़ा होगा, बिट्स एंड विस्पंद आप पढ़ते हो, वहां क्या होता है एक ही बिंदु पे तीव्रता क्या होती है लगातार बढ़ती और घटती है। तो एक ही बिंदु पे तीव्रता का लगातार घटना बढ़ना वो कहलाता है आपका विस्पंद। वहां देखो फर्क होता है कि वहां आपका जो कलांतर होता है वो टाइम का फंक्शन आता है, वो समय पर डिपेंड करता है, वहां साइन कोस में टाइम आता है अगर आपने देखा हो तो। इसलिए यहाँ फेज डिफरेंस का टाइम पे डिपेंड नहीं करना ही इसका मेनली बेस हो गया, जिसके कारण से इसकी तीव्रता है वो एक पॉइंट पे। अगर आप देखो इसको मानता हूं ओरिजिन, तो यहां अगर फिक्स तीव्रता आपकी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही बनी रहेगी। तो अगर मैं मान लो कोई ऑब्जर्वर है वो इस पॉइंट से मान लो ऊपर मूव कर रहा है तो क्या देखेगा, पहले यहां तो उसको दिख रहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। इसका मतलब इंटेंसिटी कैसी पोजिशन की फंक्शन होगी, क्यों सर आप ये तो कह रहे थे। तो ये इस तरह से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, यानी कहां उसका पार्ट डिफरेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपके बंद जाएंगे। ठीक है सर, बढ़े बिल्कुल। तो सर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द एथ ब्राइट बैंड ड्यू टू लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद नाइंथ ब्राइट बैंड फ्रॉम लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट then the possible wavelength of visible light are। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि एक तो lambda 1 wavelength है, दूसरा lambda 2 है, एक का 8th bright band है और दूसरे का 9th bright band है। अगर हम लोग distance की बात करते हैं तो एक हो जाएगा 8 beta 1 और दूसरा 9 beta 2। अब question में क्या लिखा है, दोनों एक ही जगह पर है, coincide कर रहे हैं एक ही जगह पर है, तो दोनों distance center से equal होगा, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं d lambda 1 by small d 9 d lambda 2 by d। तो एक रिलेशन यहां पर आएगा 8 lambda 1 equals to 9 lambda 2 या lambda 1 by lambda 2 equals to 9 by 8। अब ये रिलेशन हमें चेक करना है चार ऑप्शंस में से। ये किस में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ थोड़ी सी बच्चों की हम हेल्प करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों की शिकायत रहती है कि सर थोड़ा टॉपिक को आजकल डिस्कस करना बंद कर दिया है। तो हमने पहले जैसे अभी इंटरफेरेंस में टॉपिक को थोड़ा डिस्कस किया है, और यहाँ पर भी जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो, और जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर फिर आपका इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण और विवर्तन दोनों का मिक्स स्वरूप है वो आपको समझना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ एक्स्ट्रा एक चीज है वो दो लेते हैं। जैसे यदि अपन बात करते हैं YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, दूसरा यदि अपन बात करते हैं सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट, जो था ना आपका एकल स्लिट वाला जो विवर्तन का अपन प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लो इस वाले में यहां मेरे पास ये कोई करंट सोर्स ऑफ लाइट है S, और मैंने इसके ठीक सामने यहां दो रिले स्लिट, ये मान लीजिए S1 और S2, हमने इसी से बनाई दोनों सेम विड्थ की हैं, दोनों इंटेंसिटी सेम आएगी। यहां ध्यान देना कि जो लाइट की इंटेंसिटी यहां पे I1 I2 अपन कंसीडर करते हैं वो इन स्लिट की जो विड्थ है उस पे डिपेंड करती है। अगर दोनों की विड्थ सेम है तो जो इंटेंसिटी आपकी I1 है वही आपकी I2 हो जाएगी, उसके ऊपर I1 = I2 = I0 अपन लेके चल सकते हैं। अगर विड्थ अलग अलग है तो फिर आपको अलग लेना पड़ेगा। और मान लो मैं यहां लेता हूं एक स्क्रीन, ये स्क्रीन है, तो आपको मालूम है जैसे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस जो अपन लेते हैं ये डिस्टेंस तो होता है सर क्या स्मॉल डी, स्मॉल डी लिखते हैं। और जो आपके कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट है इनसे जो स्क्रीन है उनकी डिस्टेंस कितनी है आपकी, वो है कैपिटल डी है, वो है कैपिटल डी है। और जो लाइट अपन यहां यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ आपकी है लैम्डा। अब मान लो ये हमारे पास है सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक इसी प्रकार से मान लो यहां पर बात करें तो ये मेरे पास कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है और इसके ठीक सामने हमने कोई रखी हुई है एक स्लिट बहुत बारीक, और इसकी जो विड्थ है वो हम लोग लेते हैं ए, क्या ले लिया अपन ने ए ले लिया। और यहां मान लो एक स्क्रीन है ये,
और यहाँ भी जो लाइट की जो अपन वेवलेंथ अगर ले रहे हैं तो लेमडा। अब मान लो यहाँ पे आपको मालूम है अपन किसी कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी हेल्प से लाइट को हम करते हैं यहाँ पर फॉक्स, और फिर इसकी बनती है यहाँ पर विवर्तन फ्रिंजे बनती है। अब जो विवर्तन फ्रिंजे बनती है उसमें अगर आपने देखा हो तो मैं देखो यहां इसकी विवर्तन की फ्रिंजे बना रहा हूं तो वो तो ऐसे बनकर देखो यूं इसकी यूं बनेगी ऐसे। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो भी आपकी एक फ्रिंज बनती है उसकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सबकी जो सेंट्रल है वैसी की वैसी सबकी होती है। तो यहां जितनी भी फ्रिंज बनती है सबकी चौड़ाई कैसी होती है, बराबर होती है, और इनकी जो मैक्सिमम आपकी इंटेंसिटी होती है वो भी बराबर होती है और न्यूनतम भी कैसे बराबर होती है। और यहां तो मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों समान चौड़ाई के हैं, तो जहां तीव्रता आपको दिख रही न्यूनतम वहां मैं जीरो शो कर रहा हूं, ये न्यूनतम जीरो है, यहां मैक्सिमम आपकी है, तो समान तीव्रता के सोर्स होने पर ये मैक्सिमम शो कर रहा है, ये आपका मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा एस शो करेगा। परंतु जो आप सिंगल स्लिट को पढ़ते हो तो वहां देखो कि जो मैक्सिमा बनता है इसका सेंट्रल मैक्सिमा उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद जो अलग बनती है यहाँ पे जो और इंटरफेरेंस सॉरी जो आपके डिफ्लेक्शन की बनती है फ्रिंजेस उसमें क्या होता है जैसे इसकी विड्थ कितनी वाली दिख रही है आपको, बाकी सब फ्रिंजे जो बनती है वो आपकी बनती है कम चौड़ाई बनती है इसकी तुलना में। जैसे ये सेंट्रल जो फ्रिंज अगर इसकी चौड़ाई को मैं मानता हूं और यहां पर भी एक कॉमन सा कंसेंस जो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है मैं उसको थोड़ा मिला रहा हूं, देखो मैं दोनों टॉपिक को यहां मिक्स कर रहा हूं, मिक्स इस हिसाब से कर रहा हूं कि अगर मैं देखो यहां इसकी जो फ्रिंज विड्थ है ये वाली, यदि इस फ्रिंज विड्थ को अगर मैं बीटा मान लेता हूं, ध्यान सुनना इसको मैं बीटा मान लेता हूं, इसके बीटा मतलब हो गया कि ये जो बीटा हमने यहां लिखा देखो ये जो बीटा हमारे पास है वो है इस वाले में लैम्डा इनटू डी बाय डी है ना। तो जो अपने पास व्यतिकरण प्रतिरूप है वाई डी एस सी का उसमें जो फ्रिंज चौड़ाई होती है बीटा वो हमारे पास लैम्डा डी अपॉन डी है। जस्ट इसी रूप में अगर फॉर्मूले को आप एस्टैब्लिश कर लेते हो तो ये जो फ्रिंज विड्थ है ना इसको मैं बीटा डेस कर रहा हूं वो बीटा डेस आपकी टू बीटा होती है। तो फॉर्मूले है अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि यदि इस फ्रिंज विड्थ को मैं टोटल टू बीटा करता हूं तो ये वैसे कहता है 2 इनटू द लैम्डा इनटू डी बाय डी है, बस डी यहां पे क्या होता है डी यहां पे हम लोग लेते हैं डी बराबर मैं कहता हूं इस लेंस की फोकस दूरी एफ हो गई, तो इसको एफ से आप कर दो रिप्लेस और छोटा डी है उसके स्थान पे ए कर दो। यदि ऐसे कन्वर्ट कर लेते हो ना तो अपने नीट के हिसाब से बहुत आपको फायदा हो जाएगा। इस डी को मैं यहां एफ कर दूं और इस डी को यहां कर दूं कितना स्मॉल ए, तो ऐसे करने से हमारे पास जो बीटा है ना इसकी वो बीटा डेस तो आई देखो कितनी 2 इंटू लैम्डा इंटू एफ अपॉन ए आ गया। ये इसकी रेखीय फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, ये इसकी लीनियर फ्रिंज कहलाती है जो कितनी है इसमें अगर ये आपके पास बीटा है तो 2 बीटा है, और ठीक इसी को अगर अपन यहां यूज करें तो सेंटर में जो एंगल बनता है ये वाला इसको अपन कहते हैं इसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है, तो इसको भी अपन यहां इससे कंपेयर करेंगे तो इसका जो थीटा डेस करूंगा तो 2 थीटा आ गया ना। तो इसी से पूरा खेल आप बना लें। अगर दो बातों को आपने सीखा सर कुछ आप बता रहे थे यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो सेंटर वाला है ना इसका विड्थ डबल होता है बाकी सारे का विड्थ इसका हाफ ही होगा। हाँ इस स्लाइड में मैंने कुछ बनाने में गड़बड़ी करी रही है ना, ठीक है वो बच्चे समझ लेंगे। हाँ नहीं नहीं इसका विड्थ ज्यादा है इसको अपन दोबारा से बना दें। मैंने इसको बना था इसीलिए इसकी फ्रिंज विड्थ अगर बीटा ए टू बीटा है ये बीटा है तो इसका मतलब इसको इसकी चौड़ाई भी कम होगी और देखो 1 मिनट इसको सही कर देते हैं बच्चों इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी सही करें देखो ब्लैक कलर में कोई दिक्कत नहीं बना दो आप रेड बना ये येलो धीरे-धीरे डिक्रीज होता जाएगा ये तो चौड़ाई उतनी ही रहेगी ऊपर भी ऐसे ही बनेगा बिल्कुल सेम रहेगा। यानी इसकी अगर फ्रिंज चौड़ाई 2 बीटा है तो बाकी सबकी कितनी बीटा बीटा बीटा, बीटा है। फ्रिंज चौड़ाई तो सेम रहेगी परंतु सेंटर से दूरी बढ़ने के साथ इनकी इंटेंसिटी सब घटती चली जाएंगी, तो तीव्रता घट रही है फ्रिंज चौड़ाई इनकी कैसी है बराबर है। तो अब देखो याद हमको करना है वाई डी एस सी का बीटा सबको याद होता है। अब देखो आगे सारे क्वेश्चनों को अपन यहीं से अटैच कर सकते हैं सबको क्वेश्चनों को कैसे समझो देखो अगर इसको अपन मानते हैं इसका सेंट्रल मैक्सिमा
तो आपको कहते हो ये तो है केंद्रीय उच्चिष्ट, अब ये प्रथम निम्निष्ठ, ये प्रथम आपका उच्चिष्ट, फिर आपका दूसरा आ गया ना, इसको अपन क्या बोलेंगे सेंट्रल है, तो ये आपका फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क, ये हो गया आपका सेकंड डार्क, ये हो गया आपका थर्ड डार्क, और ये क्या है फर्स्ट ब्राइट है, और ये आपका सेकंड ब्राइट है, ये आपका थर्ड ब्राइट है, सेंट्रल के अलावा ये सेंट्रल मैक्सिमा, उसके अलावा ये सेकेंडरी मैक्सिमा, यस फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकेंडरी। हाँ तो सर जैसे इसकी जो टर्मिनोलॉजी है बोलने की, जैसे अभी अपन ने कहा था ये तो आपका केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया, हाँ। उसके बाद ये प्रथम निम्निष्ट, ये प्रथम आपका उच्चिष्ट, द्वितीय आपका निम्निष्ट, ये आपके कौन से हैं, द्वितीय आपका उच्चिष्ट, ऐसे अपन बोलेंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, तीव्रताओं में फर्क नहीं, इसलिए सेंटर को सेंटर बोला, बाकी सब सिमिलरली बोला जा रहा है, पर यहाँ देखो इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है और बाद वालों में फर्क है, इसलिए यहाँ जो इसकी अपन जो नामकरण की प्रथा काम में लेते हैं, इसको सर हम क्या बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, बिल्कुल, और बाकी सब ये सेकेंडरी है, जो उच्चिष्ट वाले ये सेकेंडरी सेकेंडरी है, पर सेकेंडरी में पहला कौन सा है, तो इसको बोलते हैं अपन प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, और ये बन गया आपका द्वितीय यानी सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये है आपका प्राइमरी यानी फर्स्ट आपका है ये सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये आपका सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये आपका थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, बिल्कुल थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, पर जो निम्निष्ट तो पहला ही है, ये आपका प्रथम, इसके लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, वो तो जैसे इसमें था वैसे इसमें है, इसको बोलेंगे प्रथम निम्निष्ट, ये आपका द्वितीय निम्निष्ट, ये बन गया आपका थर्ड निम्निष्ट, पर देखो इन सब के नामकरण होने के बाद अब सुनो मेरी बात, एक और काम की कि मैंने कहा ये 2 बीटा है, ये आपका कितना बीटा है, और अगर ये हमको याद है और उसको साथ में अपन अटैच कर सकते हैं, तो देखो ये पूरा बीटा था ना, ये बीटा बाय 2 है, देखो ये बीटा बाय 2, तो आपसे पूछता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट डार्क बनता है उसके डिस्टेंस से अपन वाई पूछते हैं, तो वाई कितना बीटा बाय 2 है ना, बेटा भाई तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट ब्राइट है वो सेंटर से कितना दूर है, तो एक बेटा हो गया, दो जो उच्चिष्ट है उनके बीच की दूरी तो फिर जुड़ाई होती है ना, तो अपन यहां से इसकी दूरी है उस वाई को अगर बीटा के रूप में ही कन्वर्ट कर लें दोनों ही टॉपिक के अंदर, दोनों ही इसमें लेक्चर के अंदर, तो अब इससे क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे, तो ध्यान दें ये आपका बीटा बाय 2 हो गया, और अगर मैं यहां से यहां की पूछता हूं तो ये कौन सी बीटा आ गई, अब देखो ये फर्स्ट बीटा और ये कितनी यहां, ये मान लो यहां कहता हूं तो ये बीटा, ये 2 बीटा 3 बीटा, तो n बीटा, तो जहां भी ब्राइट फ्रिंज है ना, मान लो यहां पे कोई nth ब्राइट फ्रिंज है, यहां पर ये nth ब्राइट फ्रिंज है, तो इसका मतलब ये सेंटर से दूरी आपकी है ना, ये बन गई यहां से यहां तक की n बीटा, ये y है, तो बीटा हम लोग जानते हैं, बीटा हम लोग जानते हैं, पर देखो जो डार्क बनती है ना वो आपकी कितनी है बीटा बाय 2 फर्स्ट वाली, बाकी तो सब यहां से यहां की तो बीटा ही है, यहां से बीटा ही है, तो बीटा प्लस बीटा साथ में अपन अटैच किसको जोड़ किसको रहे, बीटा बाय 2 जोड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि प्रथम जो डार्क है वो तो डिस्टेंस कितनी वाई पर आई, बीटा बाय 2 पे, दूसरी कितनी है 1 प्लस बीटा बाय 2 पे, तो 1 प्लस 1 यानी हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 2 हाफ प्लस 3 ऐसे आएंगे ना, तो उस केस में अगर मान लो ये यहां पे ये nth मान लो बनती है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो इस वालों के लिए तो इसमें आ गया एक तरह से 2n प्लस 1 बाई ये बीटा बाय 2, क्यों सर सीखा है मैंने माइनस पहले के लिए यहां माइनस आ जाएगा, बीटा बाय 2 से स्टार्ट करेंगे ना, एंथ अगर n को डायरेक्ट हम लोग नंबर काउंट करें अगर फिफ्थ है तो यहां पर माइनस लिख देंगे, डार्क में तो पहले 1 से स्टार्ट होगी, हां तो अगर 1 तो, लिखेंगे तो 2n माइनस 1 बीटा बाय 2, तो ये एक थोड़ा ध्यान दो, अगर मान लो इसको मैं ऐसे करता हूं, देखो यदि n लिखूं यहां पे 0 1 2 3 इस रूप में, या लिखूं n इक्वल टू कौन सा आपका ये 1 2 3 4, ये कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ करके ऐसे लिखा है ताकि हम यहां जो कंफ्यूजन आता है उसको दूर कर पाए। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, यदि गलती से आपने 2n + 1 करके लिख दिया और आप देखो यहां पर क्या जो निम्निष्ट है, क्या निम्निष्ट यहां पे 0 ऑर्डर का बन रहा है क्या नहीं बन रहा, पहला ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसमें फर्स्ट आपको लेना ही पड़ेगा, तो n तो अपन कम से 1 लेंगे, तो 1 लेने के लिए अगर n में कर दो तो यहां तो 2 हो गया ना, तो 4 माइनस जोड़ता हूं इसको तो मैं गलत हो गया, तो सही क्या आएगा 2n माइनस 1 आ जाएगा, तो इसको आप हटा दो यहां कर दो माइनस, तो 2n माइनस 1 तो बीटा बाय 2, ये फिक्स फॉर्मूला आपके बन गए। और यहां देखो इस वाले में यहां अब देखो ये सेंटर मैक्सिमा है, ये आपका डार्क है, तो डार्क की तो बीटा हो गया, देख अब ये डार्क और ये इसका देखो वापस डार्क, तो ये बीटा, ये 2 बीटा 3 बीटा, तो यहां डार्क जो बनती है ना nth डार्क बनती है उसकी सेंटर से दूरी कितनी आ जाएगी n बीटा आ जाएगी।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, पर ये डायग्राम से अगर समझ लेते हैं ना तो क्वेश्चन बल्ले बल्ले हो जाते हैं। अब देखो मैं पूछता हूं आपसे ये वाला, ये पहले से बीटा प्लस बीटा बाय टू, तो फर्स्ट देखो फर्स्ट जो सेकेंडरी मैक्सिमा उसकी डिस्टेंस अपन यहां वाई निकालते हैं, तो वाई आपको मिली कितनी, देखो ये है बीटा प्लस बीटा बाय टू मिल गई। तो कैलकुलस वैसे इनको ये फॉर्मूले कभी काम में लेने चाहिए भी नहीं, ऐसे फॉर्मूले तो कभी गलत हो जाते हैं, अगर पहले से डायग्राम से बहुत इजी होता है, मिस्टेक होती भी नहीं, भी आसान होगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल कर सकते हैं देखो, है ना। तो अब ये क्वेश्चन अगर ढंग से ऐसे तैयार हो डायग्राम के अनुसार तो बहुत आसान है। जैसे आपकी क्वेश्चन एक आया था शायद कि जैसे ये आपकी एकल स्लिट वाला सेंट्रल मैक्सिमा है और ये हमारे पास है YDSC का, तो इनकी वैल्यू अलग होंगी, इनकी वैल्यू अलग होंगी। तो क्वेश्चन था ऐसा कि अगर हम पूछें कि इस सिंगल स्लिट वाले की जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी जो चौड़ाई है रे की चौड़ाई उसमें इसकी कितनी बीटा बन जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन था। तो अपन जानेंगे तभी तो कर पाएंगे ना इन दोनों के डिस्टेंस में कितनी बन पाती है उनको अपन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ढंग से आप इसको तैयार कर लें कि ये वाई कैसे निकालनी है और उसकी वाई कैसे निकालनी है और बीटा आपस में किस तरह से होता है, फॉर्मूला भी अपन ने उसका आपको सिखा दिया कि ओनली बीटा डेज टू बीटा करके आप याद कर सकते हो, बोल नहीं पाएंगे। और इससे में अगर जोड़ दें अपन कौन सा जो था रिजोल्यूशन वहां होता है बीट, उसकी जो डिस्टेंस आती है 1.22 बीटा, बस बस इतना ही। तो तीन फॉर्मूले पूरे होते हैं, बीटा 2 बीटा और 1.22 बीटा। तो रिजोल्यूशन अपन जहां देखेंगे वहां इस पे बात अपन कर लेंगे, ठीक है सर, बढ़िया आगे। तो अपने उस क्वेश्चन में देखो, वो तो आपका क्वेश्चन हो गया था देखो, पर यहां पर भी थोड़ा सा इसको और बच्चों को इतना बता दिया तो उसकी बेस भी इसको अपन और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि YDSC में हमने दो प्रकाश लिए, लैम्डा 1 का लिया और लैम्डा 2 का लिया, तो लैम्डा 1 की तो कौन सी 8वीं चमकीली और लैम्डा 2 की कौन सी है आपकी 9वीं चमकीली। तो जो स्पेक्ट्रम अभी मैंने जो आपको बताया था देखो यूं कि आप यहां से सेंटर मान लो ये सेंट्रल है तो फिर ये कौन सी फर्स्ट सेकंड ऐसे अपन उसको देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया था उस बेस चेक करो आप कि डिस्टेंस अपन है वो दोनों की पोजीशन संपाती करने पर एक स्थान पे होने चाहिए। बी क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या कर रहा है कि लैम्डा 1 प्रकाश की 8वीं चमकीली और 2 वाले की 9वीं चमकीली संपाती का मतलब एक ही स्थान पे बन रही है। जैसे आपने जो प्रकाश का उपयोग करा तो लैम्डा 1 का प्रकाश यूज किया, मान लो ये सेंटर वाला है, तो ध्यान देना आप कि ये फर्स्ट चमकीली है या आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सेवंथ और ऐसे अपन और बनाएंगे यहां मान लो ये कौन सी सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये बन गई, ये 9th आ गई ना। तो लैम्डा 1 की सॉरी अपने 8वीं बनानी थी क्या, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा 1 की अगर 8वीं यहां बनती है 8th तो लैम्डा 2 की 9वीं बननी चाहिए तो उसकी यहां 9th बननी चाहिए। तो 9th बनने के लिए उसकी तो बीटा कम होगी सर, नाइंथ बनने के लिए उसकी बीटा कम होगी और बीटा कम का मतलब लैम्डा छोटी होगी, लैम्डा कैसे छोटी बननी पड़ेगी तभी तो पॉसिबल है ना, तभी तो भी आपको यहां जहां लैम्डा 1 की 8 फ्रिंज बन पा रही थी वहां अपने को 9 शिफ्ट करनी है तो वो तो फ्रिंज चौड़ाई कम होने पर ही संभव है, इसलिए उसकी लैम्डा के कम करने से ही वो पॉसिबल है। तो ये तो पता लग गया हम लोगों को कि लैम्डा 1 और अगर 2 की तुलना करता हूं तो लैम्डा 2 कैसे छोटी होगी और लैम्डा 1 कैसे आपकी होगी बड़ी। तो यहां तो देखो ऑप्शन के हिसाब से अपन देखें तो यहां पर भी ये छोटी है ये बड़ी, ये छोटी है ये सब कुछ, तो यहां तो बड़ी बड़ी ये तो पॉसिबल है ही नहीं, देखो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो पॉसिबल है तो कौन सा इन दोनों से के बेस पे। अब जो अपना क्वेश्चन था कि इस पॉइंट पे संपाती होनी चाहिए, मतलब है कि सेंटर से इन दोनों की जो दूरियां हैं वो कैसी बराबर है, दूरी और दूरी कैसी ब्राइट फ्रिंज के लिए। अभी मैंने कहा था कि ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई का वैल्यू कितना है, तो अपन ये करते हैं ये आपका सेंट्रल तो ये फर्स्ट बीटा हो गया ना, ये 1 बीटा 2 बीटा n बीटा, तो इसलिए y इक्वल टू कौन सा n बीटा हो गया बस। अब y तो सेम है ना तो अपन इसी को लेंगे तो n1 यानी इसी से अपन काम में लेंगे तो n1 बीटा 1 इक्वल टू हो गया आपका n2 बीटा 2 और बीटा में लैम्डा छुपी होती है इसलिए कह लेता हूं n1 का मतलब हो गया n1 कौन सा देखो आपके पास 8वीं तो इसको अपन लेंगे 8 ये आपका लैम्डा 1 डी अपॉन छोटा डी इज इक्वल टू 9 ये हो गया लैम्डा 2 इनटू डी अपॉन छोटा डी
ये आपका इससे कैंसिल, अब हमारे पास कितना 8 लैम्डा 1 इक्वल टू 9 लैम्डा 2 आ गया। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो 9/8। अब हमको ऑप्शन पे काम करना है कि जिस भी लैम्डा का रेशियो 9/8 के बराबर है वही हमारा आंसर सही है, और वो इन दोनों में से किसका पॉसिबल, देखो यहां पर भाग देंगे ना 450/400 तो 45/40 आ गया, फिर भाग देंगे इसमें कितना 5 का तो 9/8 आ जाएगा। तो हमने थ्योरी भी पूरी कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है, तो दोनों को आप ढंग से काम ले लें। और देखो सबसे सुंदर बात यह है कि दोनों एक्सपेरिमेंट में वाई है ना उसको बीटा में निकालना सीख जाओ, और दोनों की बीटा है उसको ढंग से तैयार कर लो, फिर क्वेश्चन आप गलत नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़िया सर, बिल्कुल सर। तो अगला क्वेश्चन है सर, बताएं क्या करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो वही बात आ गई, देखो हाँ। देखो तो अपन उसी के अंदर, हाँ देखो मैं इसको बताऊं क्या करना है कि इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो ये दो डबल स्लिट है इसकी S1 और S2, और इनके बीच का सेपरेशन ये दिया हुआ सर 1 मिलीमीटर, ये दे रखा है अपने को d बराबर 1 मिलीमीटर, ठीक है। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, जो स्क्रीन हमने रखी यहां पर वो इन दोनों से कितना दूर है, d कैपिटल d बराबर है 1 मीटर, ठीक है साहब। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, यानी आपने एक ही रंग का प्रकाश ले रखा है, तो लैम्डा आपकी कांस्टेंट है, तो जो लैम्डा अपन यहां यूज कर रखी है लैम्डा वो है 500 नैनोमीटर, ठीक है भाई। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न, यानी ये एक्सपेरिमेंट आपसे कहना चाह रहा है कि यहां पे सिंगल स्लिट से आपका डिफ्रेक्शन भी हो रहा है और डबल स्लिट से यहां पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस भी हो रहा है। तो देखो अगर मैं इसमें एक बात आपको बताऊं कि जैसे इन दोनों का ये मान लो सेंटर है और यहां बन गई जैसे यूं, इसको मैं मान लो कि ये आपका विवर्तन का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये आपका मान लो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। कब होगा, एक स्लिट से डिफ्रेक्शन होने बनेगा, मान लो यहां कहीं बन गया ऐसे। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिंगल स्लिट का आपका सेंट्रल मैक्सिमा बना है उस सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा में जो डबल स्लिट की मान लो इस प्रकार की फ्रिंजे बन गई, देखो ऐसे ये ऐसे फ्रिंज बन गई 10 मैक्सिमा, और ये हमें कितनी बनानी है सर जी 10। इसका मतलब इसकी जो बीटा थी, यानी इसकी जो बीटा है ये वाली, ये इसको बीटा टेस्ट कर रहा हूं, और इसकी जो बीटा है उसको मैं कह रहा हूं बीटा, तो इसकी बीटा डेस में कितनी 10 बीटा आएगी, ये तो बात पकड़ में आई ना। तो अगर ढंग से मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सर इसको क्या लेते हैं बीटा डेस बराबर 10 बीटा। अच्छा अब जो ये बीटा डेस होता है इसका फॉर्मूला अपन ने अभी सीखा था, ये था 2 बीटा, और ये 10 डी लैम्डा डी। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में एक की तो इनकी डिस्टेंस तो डी कॉमन है, तो डी बाई डी और लैम्डा, इसमें थोड़ा सा एक मिनट रुकना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सिखाया भी था कि दोनों ही एक्सपेरिमेंट में अगर मैं यहां लेता हूं लेंस यूज करता हूं तो ये कैपिटल डी बराबर तो एफ हो गई, कैपिटल डी बराबर तो एफ है, इसका मतलब यहां इस बीटा डेस वाले में तो यहां जो डी है ना ये वाली, इसको अगर मैं यहां वापस लिखूं, देखो ये तो हमारे पास बीटा डेस है ना, ये जैसे मैं लिखा 2 और ये वैसे लैम्डा डी अपॉन लैम्डा, ये डी अपॉन डी है, पर इस कैपिटल डी को हम क्या लिखें, देखो ये हो गया आपका एफ, पर संयोग से एक ही एक्सपेरिमेंट पर कर रहे हैं तो डी का मान तो एफ के बराबर है, इसलिए इस एफ को हम डी से कैंसिल कर सकते हैं। पर ये जो डी है ना मैंने अभी बताया था, ये डी आपका डी नहीं, ये आपका स्मॉल ए है जो यहां इस स्लिट की चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास होंगे ना, अब कोई इशू नहीं है। अब लैम्डा था तो लैम्डा तो बराबर है, एक ही तो एक्सपेरिमेंट है, ये कैंसिल हो गया, और इस 2 को मैं यहां कर दूं इससे कैंसिल तो 5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक की चौड़ाई इतनी है, तो आपसे पूछा है
प्रत्येक झिरी की चौड़ाई का मतलब स्लिप की जो विड्थ है, यानी आपको ए पूछ लिया और डी दिया हुआ है। तो सर ए कितना है देखो, देखिए आप ए को लिख देते हैं हम लोग डी बटा पांच, इसको इधर लिख देंगे ये इधर आ जाएगा, फाइव ए इक्वल्स टू डी हो जाएगा, तो ए को डी बाई फाइव लिख सकते हैं, और डी जो है डी हमारे पास एक मिलीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो एक मिलीमीटर और डिवाइडेड बाई फाइव, तो ये 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा, 0.2 मिलीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये जी मैन में क्वेश्चन आ चुका है। तो बड़े सर आगे, हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर क्या कह रहा है। इसमें लिखा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 4360 एंगस्ट्रम और 5460 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के नीले और हरे प्रकाश के साथ प्रयोग किया जाता है, यदि चौथी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी x है तो हमें नीले और हरे रंग के लिए जो दूरी है उसको कंपेयर करना है। तो इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक तो एक लैम्डा वन मान ले, ये एक तरंग दैर्ध्य इस्तेमाल किया, लैम्डा टू मान ले, ये दूसरा तरंग दैर्ध्य इस्तेमाल किया, दोनों तरंग दैर्ध्य के लिए बीटा अलग अलग होगा, यानी फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग होगी। अब हमें बताना कि किसके लिए कम है किसके लिए ज्यादा है, हम लोग ऐसे लिखते हैं जो बीटा होता है इसको डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, ऐसा लिखते हैं। अब कैपिटल डी और स्मॉल डी ये तो फिक्स्ड रहेगा, लैम्डा पे डिपेंड करेगा, लैम्डा को बदलेंगे बीटा बदलेगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर हम लोग ये बीटा लिख लिया, अब देखो क्या लिखा है इसमें, फोर्थ कहीं लिखा है, बिल्कुल फोर्थ, चौथी दीप्त फ्रिंज, यानी फोर बीटा लेंगे, तो फोर बीटा वन और फोर बीटा टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा वन पहले, एक तो हरे रंग है और एक नीले रंग है, तो ये जो लैम्डा लिखा है ये नीले रंग के लिए लिखा हुआ है, फोर बीटा वन हम लोग किसके लिए लेंगे, एक्स नीले रंग का ले लेंगे यहां पर ब्लू कलर का, और दूसरा एक्स जो आएगा वो किसके लिए आएगा, हरे रंग के लिए आएगा, तो यहां पर एक्स ग्रीन लिख देंगे। अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालें तो देखो बीटा किसके समानुपाती है, लैम्डा के, यानी तरंग दैर्ध्य के, 4 4 भी कट जाएगा तो लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2। अब अगर हम लोग लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लिखते हैं तो ये ऊपर आना चाहिए, 4360 एंगस्ट्रम नीचे आना चाहिए, जबकि इसमें 5460 एंगस्ट्रम ऊपर दिया, तो ये ऑप्शन में अगर ये उल्टा लिखा होता तब तो सही होता, अभी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें बताना है इन दोनों में बराबर तो है नहीं एक्स दोनों में, अब बताना कि किसका कम है किसका ज्यादा है। अगर आप मान रख के देख लो, यहां पर हम लोग लिख दें एक्स ब्लू और ये एक्स है फॉर ग्रीन कलर, लैम्डा वन जिसका, देखो लैम्डा वन यहां पर कम है यानी एक्स कम होगा, लैम्डा टू यहां ज्यादा है यानी कि एक्स ग्रीन के लिए ज्यादा होगा, ग्रीन के लिए ज्यादा इसमें लिखा है, इसमें तो कम लिखा है, तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड इसका आंसर हो जाना चाहिए, समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। तो जैसे अब इसी प्रश्न को मैं जैसे मान लो उससे अटैच करूं, क्योंकि हमने जो बात करी हमारे पास YDSC के अंदर दो लैम्डा है, तो पहले हमने उस प्रयोग को किया था नीले प्रकाश से, फिर अपने क्या कौन से हरे से प्रकाश से कर लिया, लैम्डा बदलेंगे तो अलग अलग प्रयोग में अलग अलग उसकी पोजीशन आ जाएगी। अब कह रहा है कि चौथी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज दूरी कितनी होगी, और जैसे देखो अभी जो अपन बात कर रहे थे कि मान लो ये हमारे पास स्क्रीन है और ये आपका S1 S2 है, ठीक है भाई, ये आपका सेंटर था, तो ये बन गई इसकी सेंट्रल मैक्सिमा। अब ध्यान दो, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये आपका फर्स्ट ब्राइट, ये हो गया आपका सेकेंड ब्राइट, ये हो गया आपका थर्ड ब्राइट, और अगर इसको थोड़ा सा अपन और बढ़ा दें ये हो गया आपका फोर्थ ब्राइट, यानी स्क्रीन पे चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये फोर्थ ब्राइट है, इसकी डिस्टेंस अपन यहां देखें, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में एक्स बोला है इसको, अब ये एक्स वैसे हुआ कितना, देखो ये सेंटर एक्स, ये आपकी 1 बीटा, ये 2 बीटा, 3 बीटा, तो 4 बीटा हो गया, नहीं जैसे हमने अभी कहा 4 बीटा हो गया,
अब 4 बीटा हो गया, तो 4 वैसे है कितना लैम्डा इनटू डी बाय डी। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये तो रखे कांस्टेंट है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट है और एक्स जो है अभी किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे कर रही है, तो लैम्डा के समानुपाती है। तो ये चीज थोड़ी सी विजुलाइज करके आप आराम से अब देख सकते हो। और देखो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा ना उसका एक्स ज्यादा होगा, जिसका लैम्डा ज्यादा है वो दूरी पे बनेगी। तो अगर अपन देखें तो हमारे पास ये लैम्डा कम है ज्यादा है इसका मतलब, और ये प्रकाश कौन से वाला मालूम है, दो प्रकाश है, ये प्रकाश आपका हरा है, ये कौन सा आपका नीला है, तो नीले वाले के लैम्डा के कम होने वो तो पास बनेगी और दूसरी दूर बनेगी। तो वैसे आपको मालूम हो गया हल्का फुल्का कि एक्स जो है ना उसका वैल्यू जिसका लैम्डा कम है उसकी कम है, अधिक वाले में अधिक है। तो देख लो ये हमारे पास था लैम्डा एक्स ब्लू, तो ब्लू 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 पहले रंग है ना, मैं कंफ्यूजन कर रहा हूं, ये ब्लू है तो ब्लू की तो कम है तो एक्स भी कम है, तो ठीक है ये तो सही हो गया बस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बच्चे बात पकड़ लेंगे। और वैसे सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अपन रेशो निकाल दो कितना 4360 अपॉन कितना उल्टा आएगा इसका, तो अगर दे रखा होता है ऐसे कि 4360 अपॉन दिस तो इसको भी सही कर देते, बहुत ही पॉसिबल था, पर यहां तो सब संभावना देखते हुए आपका थर्ड आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन यंग्स डेवलप स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4। YDSC में हमारे पास जो बीटा है, बीटा है पहले वो कितनी 0.4 आपको दे रखी है मिलीमीटर। अब कह रहा है क्या है, इफ द होल अपैरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हम इसको मान लो कमरे में कर रहे थे एक्सपेरिमेंट को, सब पानी में ले गए, तो पहले ये बीटा हमारे पास है, तो बीटा नॉट मान लो आप फ्री स्पेस की है, और वैसे बीटा होती कितनी है लैम्डा इनटू डी बाय डी। अब कह रहा है कि हमने जब इस एक्सपेरिमेंट को एयर से वाटर में ट्रांसफर करा तो ऑपरेटर्स में कोई चेंज नहीं करा, ये दोनों आगे कांस्टेंट है, तो यहां तो अपन ये भी कह सकते हैं कि बीटा समानुपाती कितना लैम्डा हो गया, बीटा समानुपाती लैम्डा। अब देखो बीटा डेस में लिखूं, बीटा डेस अपॉन बीटा इज इक्वल टू करता हूं यहां पे लैम्डा डेस अपॉन लैम्डा, लैम्डा डेस को भी कर दूं, लैम्डा किसका आपका मीडियम का अपॉन कितना लैम्डा एयर, अब लैम्डा मीडियम उस पे से होता लैम्डा अपॉन म्यू होता ना, अपॉन कितना लैम्डा ये से कैंसिल, तो मेरे पास 1 अपॉन म्यू आ गया। यदि आप इसको यहीं बदलो तो बदल सकते हो। अब सुनो ये बीटा डेस हमारे पास है कितना, ये है बीटा अपॉन म्यू, बीटा कितनी थी सर जी 0.4, म्यू कितना है वाटर का 4/3, तो ये 0.4 इनटू कितना 3/4, तो कितना आंसर आया सर देखो 0.3 आ गया, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। तो म्यू के चेंज होने से और म्यू भी कैसे, देखो एयर के रेस्पेक्ट में मीडियम का म्यू हमेशा ज्यादा होता है, तो उससे लैम्डा आपकी कम हो जाएगी तो बीटा भी कम हो जाएगी, इसलिए आंसर आपका कौन सा फर्स्ट आ जाएगा। तो सर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब इसको भी अपन अब क्वेश्चन में अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपन उनको डायग्राम से बच्चों को समझाएंगे। हाँ सर बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें लिखा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि चौथी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई 2×10⁻²⁰ सेंटीमीटर है तो छठवीं चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज विड्थ तो बदलता नहीं है तो जो चौथे की है वही छठे की होगी। अगर सर ये क्वेश्चन आपका होता सिंगल स्लिट वाला तब क्या होता, तो उसमें सेंटर फिर फोर्थ और सिक्स्थ के लिए तो कोई फर्क नहीं आता, अगर सिर्फ सेंट्रल का लिखा होता तो उसका आधा कर देते, ये चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सिंगल स्लिट वाले में सेंटर वाले की डबल होती है, बाकी सब सेम होती हैं। यहां तो लिखा कौन सा कि फोर्थ कितनी है तो छठी कितनी है बराबर आएंगे, तो जो एक्सपेरिमेंट आपका YDSC का हो चाहे किसका हो सिंगल स्लिट का आंसर आपका सेम ही रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया था उसी बात को लेते हुए, तो देखो In the Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. तो आपको पूछा the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be. तो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है कि YDSC में, तो YDSC में अपन सिंपल जब तक आपको बोले नहीं ना कि दोनों स्लिट हैं उनकी आपकी चौड़ाइयां अलग अलग है, जब दे दिया जाए तभी आपको चौड़ाइयां अलग ले लेनी है, इसका मतलब दोनों यानी I1 I2 और A1 A2 उनको हमेशा समान लेते हुए आपको चलना है। तो याद करो हमने टॉपिक के स्टार्ट में आपको बताया था
कि अगर दोनों सोर्स समान तीव्रता के हैं उस कंडीशन में जो आई रिजल्टेंट होती है वो कितनी होती है, 4i, यहां i इसको चलो 4i नोट कर दो और याद करो cos स्क्वायर थीटा पाई बाय 2, ये हमने फार्मूला डिराइव किया था। ध्यान सुन लो, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है और ये i नोट क्या है, एक जो प्रकाश स्रोत होता है s1 या s2 उसमें से किसी एक की प्रकाश की तीव्रता है, और phi यहां पर है दोनों जो प्रकाश तरंगे आती हैं उनके बीच का कलांतर। अब सुनो, जो अपना क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो लाइट थी उसमें लेमडा पार डिफरेंस है तो तीव्रता k है, तो लेमडा बाय 4 पर कितनी है वो हमको समझने दो। तो लेमडा पथांतर पे इंटेंसिटी कितनी है k, तो आपको लेमडा बाय 4 पर उसकी इंटेंसिटी जब k डेस मान लेता हूं वो हमको फाइंड कर, ठीक है। तो अब सुनो, लेमडा अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस है तो लेमडा के इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस कितना आता है, 2 पाई, जानते हो ना एक चक्कर का पाथ डिफरेंस है, तो लेमडा के बराबर कितना, 2 पाई। तो लेमडा तो था मेरे पास क्या, पाथ डिफरेंस, तो इसकी जैसा 5 फेज डिफरेंस हमारे पास ही आ गया सिमिलरली, और ये इक्विवेलेंट है ना, और ठीक इसी प्रकार से अब ये लेमडा के लिए 2 पाई था तो लेमडा बाय 4 का कितना, 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 सर। तो ये इसका हो गया दूसरे केस में 5 डेज। तो जो भी आपको पाथ डिफरेंस दे रखा था उसको आप बदल लीजिएगा किसमें, फेज डिफरेंस में, तो मैंने बदल लिए। अब बदलने के बाद देखो, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट वाले केस में जो इसकी मैं k निकालता हूं तो k कितना है, 4i0 और i इनटू cos स्क्वायर 5/2, तो 5 को आप चेक करो, 5 में सर क्या लिखूंगा यहां पर, 2π, तो 2π अपॉन तो कितना पाई आ गया, cos स्क्वायर कितना होता है -1 स्क्वायर करके तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया 4i0। तो जहां पाथ डिफरेंस लेमडा है, जहां पाथ डिफरेंस लेमडा है, जहां आपका फेज डिफरेंस 2π है, तो आप जानते भी हो वहां पर 0 लेमडा 2 लेमडा उन सब पे क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है, तो वहां तीव्रता मैक्सिमम होती है, और वहां तो पूरे इंटरफेरेंस से मैंने बताया था आपको कि हर फ्रिंज है उनकी इंटेंसिटी आपकी सेम रहती है, तो ये तो आपको मिल गई 4i0। अब अपन बात करते हैं k डेज की, तो k डेज को भी मैं यहीं डालता हूं, देखो तो कितना, देखो यहां से आया 4i0 इनटू cos स्क्वायर 5, 5 कितना देखो मेरे पास है, पाई बाय 2, तो यहां लिख लो आप 90, तो 90 अपॉन 2 45, 1/√2, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1/2, तो इसका मतलब ये आ गया 1/2, और इसको सॉल्व करें तो कितनी आ गई, 2i0। अब हमको k के रूप में आंसर देना है, तो अगर इसको मान ले अपन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान ले अपन इक्वेशन सेकंड, और कर दें सर जी अपन 2/1, तो 2/1 करने से हमारे पास k डेस अपॉन k कितना आ जाता है, देखो 2i0 अपॉन 4i0, ये हो गया आपका 1/2, और इसको सॉल्व करने पे k डेस हमारे पास 3/2 आ जाए, k/2। तो इस तरह से आप करेंगे, और ये चीजें अपन ने सारी आपको पहले डिस्कस करके बता दी हैं, ठीक है। भी बढ़ते आगे, तो इसका आंसर क्या आंसर आया, k/2 फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए क्या करना चाह रहा है, इसमें लिखा है द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर ऑफ अनइक्वल विड्थ, अनइक्वल विड्थ, देन अब अनइक्वल है इसका मतलब मिनिमा जो होगा वो जीरो नहीं होगा, द ब्राइट फ्रिंजेस विल हैव अनइक्वल स्पेसिंग, बीटा तो सेम ही रहता है, बीटा नहीं बदलेगा, बीटा जो भी है सबके लिए सेम रहना है, ब्राइट फ्रिंज विल हैव अनइक्वल ब्राइटनेस, ब्राइट फ्रिंज जितने भी होंगे सबका ब्राइटनेस सेम होगा, The fringes do not appear, appear होंगे, ये भी गलत है, The dark fringes are not perfectly dark, जो अभी सर ने बताया था कि जीरो भी हो सकता है इंटेंसिटी, जीरो नहीं भी हो सकता है, अगर दोनों के लिए अलग अलग, या लिखा ना अनइक्वल विड्थ है, विड्थ अनइक्वल, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, इंटेंसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए डार्क फ्रिंज में डिफरेंस तो आएगा, कम तो होगा, लेकिन परफेक्टली डार्क जो है वो जीरो बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है, ठीक बात है। तो इस क्वेश्चन का जो भाव है वो अपने सर पहले डिस्कस थोड़ा किया था ना, हाँ। जैसे अपन जो थ्योरी बता रहे थे बच्चों को कि अगर i1 = i2 है, या मैं कहता हूं a1 = a2 है, तो मैंने यहां दोनों बातें डिस्कस करी थी कि अगर i1 = i2 नहीं है तो क्या है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो जो आपकी स्लिट है, यदि उन स्लिट की चौड़ाई जो होती है ना
अगर अलग अलग है तो अलग अलग होने पर उनकी इंटेंसिटी अलग आएगी, तो अलग अलग आने पर न्यूनतम जो तीव्रता कभी जीरो पॉसिबल नहीं है, नॉन जीरो होगी। अब देखो मिनिमा पर जो न्यूनतम तीव्रता है वो एक्स शून्य हो गई, उसका भाव क्या? देखो जैसे आपने इंटेंसिटी समझी, तो मान लो ये मेरे पास इंटरफेरेंस पैटर्न था ये, तो यहां देखो मैं इस ग्राफ को अगर यहां जीरो पे लेके आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आई जो मिनिमम है वो कितनी है सर? जीरो, जीरो है ना। पर अब देखो यहां जैसे इन दोनों की इंटेंसिटी को अलग कर देंगे तो आई न्यूनतम आपकी जीरो नहीं होगी। अब जीरो अगर नहीं होगी तो उसको अपन कैसे शो करेंगे? वहां मान लो इंटेंसिटी यहां, और देखो उस केस में होगा क्या, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम नहीं है तो उस केस में ये भी इंटेंसिटी कुछ कम होगी, ये तो कुछ बढ़ेगी, फिर एनर्जी लॉस नहीं होता, लॉस ऑफ एनर्जी अपन जानते हैं इंटरफेरेंस जीरो होता है ना। तो यहां स्पेक्ट्रम आप इसको बनाते हो या इसका इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे तो देखो यू बनेगा ऐसा। तो अब देखो यहां चमकीली फ्रिंज तो अपन नहीं बोलेंगे, यहां तो था तो अपना मिनिमम, पर उस मिनिमम तीव्रता आपकी जीरो नहीं है, कितनी होगी? नॉन जीरो। तो यहां पर अब बिल्कुल परफेक्ट डार्कनेस नहीं आएगी, हल्का सा यहां पे प्रकाश ही पहुंचता हुआ आपको मालूम हो जाएगा, इसलिए आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन है थोड़ी सी अपने को इसमें लग रहा है कि कैलकुलेशन होनी चाहिए, पर हम इनकी सारी बातें बच्चों को बता चुके हैं तो उसी से अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखो तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन अदर, यानी एक स्लिट है उसकी चौड़ाई है वो दूसरे से ज्यादा है। शो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल ऑफ दैट फ्रॉम अदर स्लिट। तो एक स्लिट है उसकी जो चौड़ाई है दूसरे से डबल है, तो इसको अपन ऐसे मान लेते हैं जैसे एम्पलीट्यूड दो गुना तो तीव्रता चार गुना, चार गुना, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो तो आपकी आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो कि मैं कहता हूं कि विड्थ जो है उसके अकॉर्डिंग आयाम विड्थ के समानुपाती होता है ना सर? हाँ। जो आपका आयाम जो होता है वो विड्थ के समानुपाती होता है, पर आपको तो विड्थ दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर मैं ऐसे कर दूं कि जो इसकी विड्थ है मान लो डी, जो इसकी चौड़ाई डब्ल्यू वन है, डब्ल्यू वन को मैंने डब्ल्यू मान लिया और W2 को मैं मानता हूं कितना, मान लो 2W। यहां से प्रश्न को उठाना देखना था ना, ये पहले की चौड़ाई है W, इसकी कितनी है 2W, और जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा चौड़ाई के समानुपाती होता है। इसलिए अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड A1 को अगर A मानता हूं तो A2 कितना हो जाएगा 2A। ये बात भी ठीक है। अब अपन ये जानते हैं कि इंटेंसिटी होती है आयाम की वर्ग के समानुपाती, इसलिए इसका अगर इंटेंसिटी, अगर मैं इस इंटेंसिटी आई वन को आई मान लूं तो ये सब डबल है तो कितना हो जाएगा आई टू बराबर फोर आई। बस यहां पहली स्टार्टिंग के पहले स्टेटमेंट से अपने को ये सारी बातें समझ लेनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर ने बात बता दी यहां पर कि जो जो चौड़ाई इनके अलग अलग होने पर आयाम हमेशा चौड़ाई के समानुपाती होता है और उससे अपन इंटेंसिटी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब यहां तक की बात को बस सार के रूप में याद कर लो इतना, यहां इन दोनों की चौड़ाई के अलग अलग होने से यदि फर्स्ट की इंटेंसिटी आई है तो दूसरे कितनी आ गई 4i। इसको अपन आगे लेके चलते हैं। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं इसको कि i1 मान लो मेरे पास i है तो i2 मेरे पास कितनी हो गई 4i। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इफ i m बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी i, यदि i है ये दे रखे कि इसमें अगर इनको अपन यूज करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास i है। अब पूछा है कि द रिजल्टेंट, ये तो लगा दिया है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई व्हेन दे इंटरफेयर एट फेज डिफरेंस पाई इज गिवन पाई। आप सुनो देखो, अब इसको मैं कर रहा हूं देखो डिलीट और ध्यान दो, आई वन मेरे पास है आई और आई टू है मेरे पास फोर आई। अब कह रहा कि अगर इन दोनों की अपन इंटरफेरेंस की पूरी प्रोसेस में जो इंटेंसिटी निकालते हैं मैक्सिमम आई एम, तो इसने तो आई मैक्सिमम को आई एम दिया हमने, अभी कितना आएगा? तो दोनों अलग अलग है ना, तो आई प्लस कितना 4i प्लस कितना 2 इंटू रूट ऑफ आई इंटू 4i और यहां मैक्सिमम का बनता 1, तो इसका रूट अपन जो 2 आया तो 4 4 कितना 8 और 9 आ गया। इसका मतलब इसको अपन 9i कर सकते हैं सर। तो आई जो हमारे पास बिल्कुल आई नोट कर देंगे इसको, तो आई नोट का मतलब हो गया आई नोट, आई आपने लिखा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आई नोट कर दो, आई नोट कर दो, आप आई नोट कर दो, आपकी बात मान जाएगी।
तो ये बिगड़ गए नॉट हीलो। तो आई नॉट क्या हो गया, एक प्रकाश स्रोत की जो पहले वाले की तीव्रता जो आई नॉट है ऊपर नाइन आई नॉट है उसको मान लिया, यहां तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो आई नॉट जो है वो हमने एज्यूम किया हुआ है, तो अगर इस आई नॉट को मैं यहां से निकाल लूं तो ये मेरे पास आई एम अपॉन एन आर, तो कहीं रिप्लेस कर जरूरत पड़ेगी तो रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो यहां तक की कहानी अपने समझ ली। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा कोई बिंदु जहां फेज डिफरेंस फाई है वहां इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो वहां इंटेंसिटी में ज्ञात कर रहा हूं आई, तो कितनी है देखो आई नॉट प्लस फोर आई नॉट प्लस टू इंटू रूट ऑफ आई नॉट इंटू फोर आई नॉट और कोस फाइव। ये आ गया। अब इससे केवल अपने को आंसर है वो मैच करना है अपने को, तो ओनली अब ऑप्शन पे टारगेट करना है। इनको ऐड कर दें तो कितना फाइव आई नॉट प्लस यू गेट टू टू फोर तो फोर आई नॉट और कोस फाइव। इसमें से हम लोग आई नॉट कॉमन ले लें और उसके ऊपर रख दे आई एम बाई नाइन, है ना, आई नॉट कॉमन ले तो छोड़ दो आई एम बाई नाइन कर दो। अब देखो इसमें से यहां तो बचा फाइव प्लस ये आपका फोर कोस फाइव, फाइव को फोर प्लस वन प्लस इसको ओपन कर दे वन प्लस फोर, तो जैसे ये लो साहब आई एम अपॉन नाइन इसको दो वन प्लस फोर प्लस फोर कोस फाइव, और इन दोनों से फोर कॉमन ले लें अपन तो वन प्लस फोर वन प्लस कोस फाइव ये आ गया देखो कॉमन और आपका चला गया बाहर। तो आप सर कर दो इसको पूरा क्या करना चाह रहे हो। अब ये तो आई एम बाई नाइन आ गया, यहां पर वन जैसा है वैसा ही रहेगा, फोर को हम लोग रहने देते हैं, वन प्लस कॉस फाइव की जो वैल्यू होती है टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू लिखते हैं, फोर से मल्टीप्लाई होकर के एट आ जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू टू आ गया। अब हम लोग आंसर मिलाएंगे, जो आंसर मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर सर कौन सा आ रहा है वो, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखो बच्चों आई एम बाई नाइन वन प्लस एट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या करना, देखो नेक्स्ट में लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ माइका स्लिट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस्ड इन द रे फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स एस वन By how much distance the fringe pattern will be displaced? अब इसमें क्या कंडीशन है कि यहाँ पर हम लोग मान ले दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट यहाँ दूसरा यहाँ, एक को S1 नाम दे देते हैं दूसरे को S2 नाम दे देते हैं। यहाँ पर एक माइका शीट हमने रख दिया, अब यहाँ कोई पॉइंट अगर P मान ले तो एक तो यहाँ से जाएगा, एक ऐसे जो लाइट है वो ऐसे जा रही है, S1P और S2P इसका जो पाथ डिफरेंस है उससे हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो फ्रिंज पैटर्न है वो डिस्प्लेस होता है, अगर ये माइका सीट नहीं रखते तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता वो कहाँ मिलता हमें, जो पहला इंटरफेरेंस होता है सेंट्रल इंटरफेरेंस ब्राइट इंटरफेरेंस O पॉइंट पे मिलता। अभी अलग अलग जगह पे एक जनरल पॉइंट P मान लेते हैं, P पॉइंट पर क्या होगा पाथ डिफरेंस वो निकालते हैं, अगर P बिंदु पर पाथ डिफरेंस जीरो हो गया तो सेंट्रल मैक्सिमा इसी P बिंदु पर आ जाएगा, तो O से P के बीच की जो दूरी होगी यही शिफ्ट कहलाएगा, इसको हम लोग Y नाम दे देंगे, ये दूरी D है। तो पहले हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे, अगर इसका थिकनेस T है जो इसमें लिखा है माइका सीट के लिए थिकनेस T मान लेते हैं और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू नाम दे देते हैं। तो देखो S1P और S2P के बीच का पाथ डिफरेंस हम लोग डेल्टा S से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा एक तो S2P है फिर इसके बाद S1P में एक तो S1P पहले हम लोग लिखते हैं लेकिन S1P में यहां पर जो है म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का माइका सीट रखा हुआ है, तो इसके कारण पाथ डिफरेंस में जो फर्क आएगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे म्यू माइनस वन इंटू टी। अब ये आपको समझना है बच्चों ये कैसे लिख दिया, थिकनेस टी है एक टर्म हम लोग ऑप्टिकल पाथ यूज करते हैं, अगर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा म्यू टी और थिकनेस टी, ध्यान देना
म्यूटी यानी अगर निर्वात में या वैक्यूम में लाइट इतना ही थिकनेस के बराबर फेज डिफरेंस हो तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, म्यूटी। और अगर ये माइका सीट हम लोग हटा दें, अभी ये दूरी कितनी तय करता प्रकाश, टी। तो इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है म्यू माइनस वन टी, इतना डिस्टेंस लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ गया है, यानी एस वन से पी के बीच। और हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, जैसे किसी भी माध्यम में किसी भी मीडियम में लाइट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ उसके करस्पॉन्डिंग फेज चेंज भी होगा। अब अगर उतना ही फेज चेंज वैक्यूम में हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वैक्यूम में, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। तो S1P के लिए, S2P के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधा सीधा वैक्यूम में S2P ऑप्टिकल पाथ लिख दिया। S1P में ये दूरी जो है उसके लिए ये म्यू माइनस वन टी ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस इतना है। तो हम लोग ऐसे लिख दें, ये डेल्टा एक्स लिख देते हैं, ये एस नहीं, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट कर देते हैं। एस टू पी माइनस एस वन पी, इसको अलग, और फिर माइनस में म्यू माइनस वन इंटू टी। एस टू पी माइनस एस वन पी क्या होता है, अगर ये थीटा एंगल पर हो तो डी साइन थीटा हम लोग लिखते हैं, अगर ये थीटा एंगल पर है तो यहां पर स्मॉल डी एस वन और एस टू के बीच का ये डिस्टेंस होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। अगर थीटा बहुत कम है तो साइन थीटा टेन थीटा दोनों किसके बराबर होते हैं, थीटा के बराबर, यहां लिख दें साइन थीटा, ये भी लगभग लगभग थीटा होता है, और टेन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल ही होगा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। दैट मींस डी साइन थीटा कैन बी रिटन एज डी टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वाई बटा डी, टेन थीटा को हम लोग वाई बाई डी लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिख दू डी, पहले वाई लिख देते हैं, तो डी वाई आप डिफ्रेंशिएशन जैसे समझोगे, वाई डी बटा कैपिटल डी माइनस यहां पर म्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये पाथ डिफरेंस है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स जीरो होना चाहिए, इसको आप जीरो रखो, वाई का मान निकाल लो, जो वाई का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, तो कौन सा आंसर आया इसमें, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा, अगर आप जीरो लिखोगे यहाँ पर, ये एक ऋणात्मक जो पद है इधर ले आएंगे, कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इनटू म्यू माइनस वन इनटू टी। बिल्कुल, इसको आप फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो बच्चों। ये तो मेनली बच्चों की सीधे याद भी रखना चाहिए ऐसा। बिल्कुल, और इसमें एक बात और होती है, जिस तरफ आप मान लो एस वन के सामने रखेंगे तो सेंट्रल आपका S1 की तरफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आपने S2 में रखा तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पर ऐसे करने से जो विड्थ ऑफ जो फ्रिंज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रिंज चौड़ाई हमेशा कैसे रहेगी वो आपकी फिक्स ही रहेगी, बस उसकी शिफ्टिंग आपकी जैसे रखो, मान लो दोनों रुक गया, आपने यहां रखा तो वापस उसको सिर्फ सेंटर पे ला सकते हो, S1 में रखा तो ऊपर जाएगा, S2 में रखा नीचे आएगा, दोनों रखा सेंटर पे भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, फिर उसकी विड्थ वगैरह है उनका म्यू है उन सब पे डिपेंड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये उसी का आ गया, देखो है ना, तो ये कह रहा है कि जैसे अपन यहां स्लैब रखी है, तो सर देखो ये कह रहा है कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स ए एंड बी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स, नाउ इफ यू थिंक ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड नॉर्मली इन द पाथ ऑफ द बीम कमिंग फ्रॉम द स्लिट। तो अब देखो क्वेश्चन वो उसी तरह का है, बस ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है कि फ्रिंज गायब हो जाएगी, नहीं भाई फ्रिंज बनेगी और उसी चौड़ाई की बनेगी, द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, नहीं साहब द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, बिल्कुल नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ बट द पैटर्न शिफ्ट, बिल्कुल पैटर्न आपका शिफ्ट हो जाएगा पर फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। बढ़े नेक्स्ट, तो इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर व्हिच कलर द फ्रिंज विड्थ इज लेस्ट, तो बताइए सर क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख दें, बीटा डी लैम्डा बाय स्मॉल डी।
अब अलग अलग कलर के लिए लेमडा अलग अलग होता है, जिसके लिए लेमडा सबसे कम होगा फ्रिंज विड्थ उसी के लिए सबसे कम होगा। तो इसमें ब्लू कलर जो है, वायलेट तो दिया नहीं है, ब्लू कलर है सबसे कम, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम है यानी ब्लू, तो ब्लू उसका आंसर। यानी जैसे विबग्योर हम लोग पढ़ते हैं ना, विबग्योर, विबग्योर, तो इसमें आपको मालूम है इस तरफ जाने में लेमडा आपकी होती है इंक्रीज, ये लेमडा आपकी है न्यूनतम या मिनिमम, ये आपकी है मैक्सिमम। तो यहाँ जो आपके ऑप्शन है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, तो स्टार्ट वॉयलेट इसमें है नहीं, आपका इंडिगो भी नहीं है, ब्लू है कम से कम का, तो ब्लू की लेमडा कैसी है, न्यूनतम है, इसलिए इसकी बीटा भी न्यूनतम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, इफ ए व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस कैन बी सीन। ठीक है भाई, तो इनमें आपसे पूछा है कि कैसे क्या बनेंगे, तो इसको तो अगर आपने याद करा हो तो जो आपका पैटर्न बनता है इसमें, जैसे आपने व्हाइट कलर यूज किया तो उस केस में जो सेंट्रल तो सभी कलर हैं उनके लिए पार्ट डिफरेंस जीरो होता है, तो सेंटर तो हमेशा कैसा बनेगा, व्हाइट श्वेत बनेगी ना, और उसके बाद जो बनती है यहाँ पे फ्रिंजे बनती है, उन फ्रिंजों के अंदर जो फर्स्ट जो आपकी डार्क जो आपकी कलर बनती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका कलर कैसा बनता है, वो कैसा है, तो उनको आप सीख भी सकते हो। परंतु इसमें एक बात समझना कि जैसे एक तो है फ्रिंज जो बनती कलर वाली, एक तो थी अंदर वाली, दो वर्ड आप पकड़े इसमें, एक तो है अंदर वाली, एक है बाहर वाली, घर वाली बाहर वाली नहीं, ये है स्टेटमेंट। देखो अंदर कैसी फ्रिंज का कलर कैसे बनेगा और बाहर कैसे बनेगा, तो बाहर में तो वैसे बैंगनी, याद कर लो ऐसे, बाहर कैसे बनेगा, बैंगनी बनेगा, और अंदर में ए है, इसको ए को ऐसे तो उल्टा कर लो तो लाल हो गया ना, तो ऐसे इसको आप याद भी कर सकते हो। यानी सेंटर तो हमेशा व्हाइट बनेगा और उसके बाद जो कलर फ्रिंजे बनेंगी उस कलर फ्रिंजों के अंदर का जो अंदर का सिरा हमेशा कैसा लाल बनेगा और बाहर कैसा बनेगा हमेशा बैंगनी बनेगा, बिल्कुल फिक्स है। तो देखो ऑप्शन सर बताओ क्या करा है। अब इसमें देखो पहले में लिखा है विद फर्स्ट ऑर्डर वायलेट फ्रिंज बीइंग क्लोजर टू द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, अगर हम लोग पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के पास जाए तो इसका तो मिनिमा पहले आ जाएगा, जहां मिनिमा आएगा वहां में रेड कलर दिखेगा। सेकंड में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रेड ब्राइट फ्रिंज बीइंग क्लोजर टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सही लिखा है, सही है। तीसरे में लिखा है विद अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज, अभी जैसे सर ने बताया कि सेंट्रल फ्रिंज तो हमेशा स्वेत ही बनेगा, व्हाइट ही होगा, बिल्कुल। फिर लिखा है विद अ सेंट्रल ब्लैक फ्रिंज, ब्लैक फ्रिंज तो सेंटर सेंटर में ब्लैक होगा ही नहीं, व्हाइट होगा, तो इसका सेकंड और थर्ड दोनों सही है। यानी इसमें जो मैं जो बात कर रहा था ना कि प्रथम कोटि की लाल फ्रिंज जो फर्स्ट वाली जो आपकी फ्रिंज बनेगी उसका जो कलर जो होगा ना पहले वाला वो रेड बनेगा, अंदर में फर्स्ट अंदर स्टार्ट से अपन करेंगे, अंदर बाहर अपन चलेंगे, तो अंदर से फर्स्ट स्टार्ट कौन सा आएगा, लाल, बाहर का सबसे कौन सा आएगा, वो भारी बैंगनी। ये कह रहा है कि प्रथम कोटि बैंगनी नहीं, प्रथम कोटि कौन से बनती है, रेड बनती है। ओके नेक्स्ट बोले सर क्या कह रहा है, देखो बताओ देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें लिखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, बाय यूजिंग व्हाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। सेकंड लिखा है एज इट इज नैरोअर देन अदर ब्राइट फ्रिंजेस, एज इट इज वाइडर देन अदर ब्राइट फ्रिंजेस, एज इट इज ग्रेटर इंटेंसिटी देन अदर ब्राइट फ्रिंजेस। जब हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो या सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज हो, विड्थ सबके लिए सेम होगा, यहाँ पे लिखा है नैरोअर वाइडर, विड्थ सबके लिए सेम होगा। और फिर लिखा है इंटेंसिटी, सर ने ड्रॉ करके समझाया था कि इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न में सबके लिए हर एक मैक्सिमा के लिए सेम होता है, लेकिन अगर हम लोग व्हाइट लाइट यूज करें, अभी अभी सर ने बताया कि सेंट्रल व्हाइट इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट कलर का होगा, उसके बाद कलरफुल पैटर्न, फिर थोड़ी देर के बाद इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा नहीं। तो अगर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को फाइंड करना है तो हमें व्हाइट लाइट यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है इसमें। यानी इस क्वेश्चन का जो सार है ना उसको अगर अपन थोड़ी देर समझे, जैसे मान लो अपने पास ये
इंटरफेरेंस अपन ने पैटर्न को बनाया है। तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जैसे अपन ने जो सिस्टम आ यहां S1 S2 था ये, तो पहले इस S1 S2 को अपन ने लैम्डा 1 के कोई कलर से अपन ने क्या इल्यूमिनेट, यानी प्रकाश आप लैम्डा 1 में डाल दिया तो फिर से बन गई। आपने डाला लैम्डा 2 का, यानी मैं कहता हूं कि पहले अपन रेड कलर डाल दे वहां पर, तो दोनों रेड हो गई उसकी बीटा बन गई, फिर से बन गई लैम्डा 2 मान लो आप डाला वॉयलेट उसकी बीटा फिर से बन गई। तो उनको अपन देखेंगे तो हमारे पास देखो अगर मैं रेड लाइट को यहां यूज करता हूं रेड फिर से बनेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करने पर जैसा प्रकाश अपन यूज करते हैं वैसे फ्रिंजे बन जाएंगी, पर अब व्हाइट को अपन यूज करेंगे तो कैसे उसको पहचान कर पाएंगे, तो इसके बारे में आपसे पूछ जा रहा है। तो क्वेश्चन की बात ये थी कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर, अब देखो मैं बात पकड़ना, अगर मैं यहां यूज करता हूं रेड तो सब रेड है और सब सेम हाइट के हैं सेम इंटेंसिटी के, तो उनको देख करके मान लो आपको ऑपरेट्स पता ही नहीं हो, केवल आपको इंटरफेरेंस पैटर्न का सिर्फ सिर्फ स्क्रीन आपको दिखाई जा रहा हो, तो स्क्रीन पे देख करके आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि ये सेंटर वाली आपकी ये मैक्सिमा है कि ये मैक्सिमा है। आपको सिर्फ इसको देख करके बताना है कि कौन सी है वो मैक्सिमा को शो कर रही है, सेंट्रल कौन सी है, वो आप कभी नहीं बता पाओगे। आपने मान लो कलर रेड से कर दिया, मान लो वॉयलेट कर दिया, तो उससे हुआ क्या, सारी ब्रिजें बन गई वॉयलेट, सबके सब सेम विड्थ की हैं, सबकी सेम हाइट है, सबकी सेम इंटेंसिटी है, तो आप इनमें कभी, यानी मान लो ये कोई फर्स्ट है ये सेकंड है थर्ड है, आप सबके बारे में कुछ नहीं बता पाओगे कौन से सेंट्रल है कौन सेंट्रल नहीं है। तो अब क्या करो, आप सब हटाओ और डाल दो व्हाइट लाइट, जैसे व्हाइट लाइट डालोगे ना, डालते ही इन सारों में से एक फ्रिंज क्या हो जाएगी, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी, और जो व्हाइट बनेगी वही क्या होगी सर, सेंट्रल मैक्सिमम, उससे अपन इसको आराम से पहचान सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए क्या करते हो, इसमें लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लिट इज डबल द इंटेंसिटी फ्रॉम द सेकंड स्लिट। दो अलग अलग स्लिट है उनके लिए इंटेंसिटीज अलग अलग है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न, फिर से वही फॉर्मूला जो सर ने बताया था, अलग अलग इंटेंसिटी है मैक्सिमम मिनिमम का, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर दो कैसे? हाँ करो। देखो बच्चों ध्यान देना, अगर हम लोग मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ पर एक का जो इंटेंसिटी है वो डबल है, लिखा है ना, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इनका रेशियो ही ले लेते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां पर एम्पलीट्यूड के लिए रूट टू ए, और क्योंकि इंटेंसिटी जो है ना इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, प्लस ए, यहां पर रूट टू ए माइनस ए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये सॉल्व करके हमारे पास जो भी रूट टू प्लस वन है आप इसका स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, फिर रूट टू माइनस वन इसको स्क्वायर कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट तो नहीं आता 33 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 34। बिल्कुल, यानी यहां कह रहा है कि इंटेंसिटी फर्स्ट की तुलना में सेकंड डबल है, अगर ये इंटेंसिटी सर ने इसको आई ए को ए माना, ये आई है तो कितनी टू आई है, रूट टू आई, ऐसे इसको अपन लेकर के सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर है वो 34 आ जाएगा। ठीक है सर बढ़िया गए। हाँ जी अब अगला क्वेश्चन आपका देखो आ गया कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन बाय ए स्लिट ऑफ बाय ए लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस कमिंग फ्रॉम द करंट सोर्सेस एस1 एंड एस2 एट अ सर्टेन पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन थर्ड डार्क फ्रिंज इज फॉर्मड देन द पाथ डिफरेंस इन दिस विल बी, यानी अपने को क्या कह रहा है कि बिंदु पी पर तीसरी अदृश्य फ्रिंज बनती है तो पाथ डिफरेंस वो कितना होना चाहिए, 2.5 बीटा, बीटा के बदले हम सॉरी बीटा नहीं लैम्डा बाय 2। यस तो कर दो फटाफट इसको, तो इसमें लिखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन लाइट वेवलेंथ दिया हुआ है कोहेरेंट सोर्सेस पी ऑन द स्क्रीन थर्ड डार्क फ्रिंज इज फॉर्मड। अच्छा पाथ डिफरेंस चाहिए थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए, तो सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे। देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है ना, थर्ड डार्क फ्रिंज लिखा है, तो थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए पहले डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, सेकंड के लिए 3 लैम्डा बाय 2,
फिर थर्ड के लिए 5 लैम्डा बाय 2 आगे रहता, तो 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2 ऐसे लिखते। थर्ड के लिए पाथ डिफरेंस जो है, ये पाथ डिफरेंस ही तो है, ये क्या होना चाहिए 5 लैम्डा बाय 2। यानी अपन को 5 लैम्डा बाय 2 ही पूछा है। हां 5 लैम्डा बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा गिवन है यहां पर 6000 एंगस्ट्रम है, इसको 6 × 10⁻⁷ मीटर लिख दिया। और अगर आप इसको माइक्रोमीटर में लिखोगे, जो भी आंसर्स हैं माइक्रोन्स में दिया है यहाँ पर, तो माइक्रोमीटर में जब आप लिखोगे सॉल्व करके, ये कितना आएगा 1.5 माइक्रोन्स। तो बढ़े आगे, बिल्कुल आंसर कौन सा हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखो, टू करंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 1:4 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी। तो ये हम देखो यहाँ पे इसकी, इसको मान ले पर, मान लो I1 ये है, I2 कितनी 4, इसका मतलब I2 जो है वो कितनी है 4 I1 होगी, इसको तो बीटा इंटू I1, तो बीटा कितना हो गया इसका, सॉरी बीटा इंटू I1 क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला बता दिया बच्चों को, तो बीटा हमारे पास कितना 4 है। अब देखो आपको पूछा है फ्रिंज की दृश्यता कितनी है, विजिबिलिटी कितनी है, जिसको अपन ने एफ से लिखा था, तो 2√β अपॉन बीटा प्लस 1 याद करो, क्योंकि ये तो था ना अपना, तो इससे अपन डायरेक्ट करें इसको क्वेश्चन को, तो 2√ और कितना 4 अपॉन कितना 4 प्लस 1, तो ये आ गया 4/5 यानी 0.8। इसका आंसर हो गया आपका सेकंड, अब तो सॉर्ट हो गया ना। ओके बड़े नेक्स्ट में आइए, ये कह रहा है इफ द शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय ए स्टार इज टुवर्ड्स वायलेट, देन दिस शोस दैट स्टार इज, यानी ये तरह से आपका ये प्रकाश का जो आपका होता है डॉपलर इफेक्ट, उसका प्रश्न है। ये कह रहा है कि अगर कोई, इफ द शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय ए स्टार, कोई मान लो एक स्टार है, और स्टार से जो अपन अर्थ पे जो व्यक्ति आपका डॉपलर इफेक्ट है वो बना रहे हैं, तो उसमें जो डॉपलर इफेक्ट में जो वेवलेंथ है उसकी शिफ्टिंग जो है वो कह रही है कैसा बैंगनी प्रकाश की तरफ जा रही है, इसका मतलब लैम्डा उसकी कम हो रही है, तो लैम्डा का कम होना, अब इससे अपन जानते हैं जब भी आप पढ़ते हो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड या लाइट, तो प्रकाश स्रोत जब भी हमारे पास, जब भी सोर्स हमारे पास आएगा तो हमेशा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लैम्डा आपकी घटेगी, और दूर जाने पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी और लैम्डा हमेशा बढ़ेगी। तो अब देखो यहाँ वॉयलेट शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी, देखो हमारे पास यहाँ ये एक्चुअली है क्या विबग्योर, अपन पढ़ते हैं विबग्योर, तो शिफ्टिंग यहाँ पे कैसी वॉयलेट की तरफ आ रही है, तो लैम्डा यहाँ पे घट रहा ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है, तो हमसे दूर ज्यादा के पास आ रहा है, हमसे हमारे पास आ रहा है, इसलिए पृथ्वी की ओर आ रहा है, पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो सेकंड इसका आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है कि ए हेवनली बॉडी इज रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ सच दैट द फ्रैक्शनल चेंज इन लैम्डा इज 1। ओके तो ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न आ गया, तो यहां पर आप जानते हो कि जो भी यहां पे डेल्टा म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू जो अपन करते हैं माइनस का कितना डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, वो हमेशा आपका प्लस माइनस कितना बी बाय सी होता है, प्लस माइनस बी बाय सी। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट आपने पढ़ा हो तो दोनों का फिक्स ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर ये प्लस तो ये माइनस आएगा और ये माइनस तो ये प्लस आएगा, और यहां जो फ्रीक्वेंसी का केस अपन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सब में, अगर ये आपने चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो प्लस लेना, घट रही है तो माइनस। अभी फॉर्मूला आपका है, अभी कह रहा है कि पृथ्वी से दूर जा रहे एक आकाशीय पिंड के लैम्डा में भिन्नात्मक परिवर्तन, यानी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा कितना हमारे पास 1 है, ये 1 है, तो 1 का मतलब बी बाई सी आ गया, तो बी का मान कितना सी के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है इन द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड, ये तो आपका प्रकाश का किनारों से मुड़ा तो विवर्तन कहलाता है, तो ये तो आपका हो गया कौन सा साहब थर्ड। नेक्स्ट देखो द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, if the distance of the screen is 1 meter from the slit, then the distance between third dark fringe and fifth bright fringe is, to apan ko pucha hai isme, ye to aapka white dc ka gaya na, white dc wala, to isme aapko teesri jo adipt hai aur panchvi dipt hai inke beech ki duri hai wo puchi ja rahi hai, to panchvi dipt ka matlab 5 beta ho gaya kya, minus kitna, teesri adipt ki pata matlab kitna 2.5 beta, 5/2 beta, yes 5/2 into beta, और उनके बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी साहब, ज्ञात करनी है तो कि आपको ज्ञात करनी, तो इसी को मैं डी मान लेता हूं, तो ये एक्चुअली कितना 5 माइनस पहले तो 2.5 आ गया क्या, 2.5 बीटा कितना लैम्डा इनटू डी बाय डी, ये सब आपको दिए जा रहे हैं, और इसमें लैम्डा आपको दे रखा है और डी भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, देखो
ये स्लिट प्रेस पर, ये तो आपका स्मॉल डी हो गया, ये आपका कैपिटल डी है, तो इसको वैल्यू पुट करने से हमारे पास इसका आंसर कौन सा आंसर आएगा, थर्ड। ये आराम से आप खुद बेटे कर सकते हो। तो इससे अपन बड़े आगे, देखो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए सिंगल स्लिट ऑफ विथ दिस, ये आपका किसका क्वेश्चन हो गया, विवर्तन वाला, ए सिंगल स्लिट लिखते ध्यान देना विवर्तन वाला है ऑफ विथ दिस। तो इस वाले में ये तुम्हारे पास आया देखो ए इज इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये आपका लैम्डा, The observing screen is placed at the center. D आपको हो गया F, जो कि हमारे पास यहाँ कैपिटल D ग्रुप में काम करेगा। The width of the central bright fringe, okay, ये अपने बात की थी, वो जस्ट उसकी डबल थी सर। तो इसका जो बीटा डेज कितना होता है, वो 2 बीटा कौन से वाले का, आपका सिंगल स्लिट वाला। तो 2 इंटू कर दो लैम्डा इंटू डी बाई डी, बस बदलना हो तो कितना 2 इंटू कितना लैम्डा इंटू ये आपका F अपॉन ए, बस अब सारी वैल्यू हमारे पास पड़ी है, लैम्डा भी है, एफ भी है, ए भी है, वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर से कौन सा आएगा, याद है कुछ? इसका आंसर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। तो बच्चे कर लेंगे इसको? कर लेंगे। देखो आप खुद करें, थोड़ा सा समय लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, देखो तो लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 500, 5 into 10 to the power minus 7, ओके, एफ 80 सेंटीमीटर, 80 into 10 to the power minus 2, 0.8 भी लिख सकते हैं इसको, ए हमारे पास 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर, इसको 2 into 10 to the power minus 4 लिख, 4 कर दो। हाँ, ये 2 से 2 कट गया, हाँ, ओनली इसका नंबर निकालो, हाँ, 4 मिलीमीटर, बिल्कुल ठीक है। फिर देखें, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट, इफ द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, आपने क्या करा है, विड्थ डिक्रीज, मतलब ए को आपने डिक्रीज कर दिया, तो बीटा डेज हम लोग जानते हैं कितना, 2 बीटा हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो ये आपका 2 into कितना लैम्डा into d अपॉन, कर दो इसको ए, ए को कम कर दिया हमने तो बीटा इसकी बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी केवल दोनों को कंपेयर करने से आपके क्वेश्चन सब और आसान हो जाएंगे। हाँ, तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न इज फॉर्मड विद व्हाइट लाइट फॉर व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट द थर्ड सेकेंडरी, कह रहा है कि वो कौन से अपन वेवलेंथ काम में लें जिससे कि थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न कॉन्साइड विद द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी और सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा इन द पैटर्न फॉर रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। तो देखो अपन ने बात की थी, याद हो तो, जो अपन इसका बना रहे थे सेंट्रल मैक्सिमाई, और फिर अपन ने इस तरह से इसकी फ्रिंज बनाई थी, और घटती हुई इंटेंसिटी की अपन ने बनाई थी याद करो उसको, यूं इस तरह से। तो ये क्या था, देखो ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी, सेकंड सेकेंडरी और थर्ड सेकेंडरी। अब ये तो थर्ड सेकेंडरी हुआ, तो उस केस में देखो ये बीटा, ये आपका बीटा, फिर देखो इसमें ये सब, ये बीटा सब बीटा थे ना, तो अगर इसके अपन डिस्टेंस यहां चेक करेंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास वाई कितनी आएगी, उसको अपन चेक करेंगे। दूसरा जो था, एक और अपन ने वेवलेंथ ले रखी है, उस वाले में भी अगर अपन चेक करेंगे तो उसका भी इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे एक तो आनी चाहिए थर्ड सेकेंडरी और एक आनी चाहिए सेकंड सेकेंडरी, ये तो बात करा ना, तो एक तो है सेकंड सेकेंडरी, एक आपके थर्ड सेकेंडरी है, तो ये तो है मान लो फर्स्ट में, ये आपका कौन सा सेकंड में। तो अगर डिस्टेंस को अपन चेक कर लें ओनली बीटा के बिहाफ पे क्वेश्चन को करेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो ध्यान दो, अगर मैं कहता हूं इसमें, तो ये तो था मेरे पास कौन सा थर्ड सेकंड सेकेंडरी, और ये मान लो कौन सा आपके पास है सेकंड और सेकंड सेकेंडरी। अब बताओ इसमें यदि मैं आपसे पूछूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास बीटा है, ये तो हमारे पास बीटा है, उसके बाद अपन इसको चेक करेंगे तो ये आपकी बीटा होगी, ये बीटा होगी, बीटा बाई टू होगी, तो ये हमारे पास बीटा, ये बीटा, ये बीटा और ये कितना बीटा बाई टू, तो 1 2, तो ये हो गया आपका 3.5 बीटा। तो फर्स्ट वाले में तो 3.5 बीटा, इसको तो बीटा 1 उसकी बीटा लगाएगी इसी कल टू, क्योंकि वाई तो सेम आएगी ना। अब देखो हमें करना है कौन सा उस दूसरे वाले केस में, कौन सा ये सेकंड वाला, तो सेकंड को कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया 2.5 बीटा 2। अब देखो 3.5 इंटू ये आपका लैम्डा इंटू डी अपॉन, इसको मैं डी लिख रहा हूं, वैसे डी है नहीं ये, और ये आपका है 2.5 इंटू ये आपका लैम्डा इंटू डी अपॉन डी। अब देखो लैम्डा दोनों अलग रहे, तो लैम्डा कर दो इसको, ये 2 कर दो इसको, और ये आपके दोनों ऑपरेटर्स के हैं वो फिक्स हो गए। अब इसमें अपन लैम्डा 2, हमको लैम्डा 1 पूछी गई है, लैम्डा 2 आपको दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे तो आराम से इसका जो आंसर है वो आप ले लेंगे, कौन सा थर्ड वाला इसका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट मिनिमम
यानी प्रथम आपका निम्निष्ट है वो बन रहा है 30 डिग्री के एंगल पर, और लाइट अपन यूज कर रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम की। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ। तो देखो इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं YDSE और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर ये डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। तो दोनों में जो बेसिक आपका सिंगल स्लिट जो अपना फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन है, तो YDSE के अंदर अपन लोग जो पढ़ते हैं पथांतर पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस हम लोग निकालते हैं डी साइन थीटा, मालूम है। और ये जो अपन कंडीशंस लेते हैं मैक्सिमा की मिनिमा की उन सब की, तो वो हम लोग लेते हैं 0 और लैम्डा बाय 2, लैम्डा 3, लैम्डा बाय 2, इस तरह से हम लोग लैम्डा बाय 2 है उसको अपन यहां पे ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। ठीक इसी तरह से सिंगल स्लिट आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है विवर्तन वाला जो एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, तो उस वाले में जो डेल्टा आपका पथांतर है उसको हम लोग ले रहे हैं a sin थीटा। अब देखो आपको मालूम है d यहां पे होता क्या है, d जो होता है वो होता है जो आपके दो s1 s2 जो आपके स्लिट्स है उनके बीच की डिस्टेंस होती है, और a यहां पे होता है स्लिट की चौड़ाई होती है, विड्थ ऑफ स्लिट होती है, डायमीटर जो है, बिल्कुल। अब जैसे इसका हम लोग जो पूरा पढ़ते हैं तो ये आपका जैसे 0 लिखता हूं मैं, बस यहां से फर्क महसूस करना आप, मैं यहां मैंने स्टार्ट करा है लैम्डा बाय 2 से और यहां मैं लिख रहा हूं किससे, लैम्डा से, उसके बाद जो इसका स्टार्ट है 3/2 लैम्डा, फिर आपका ये 2 लैम्डा, इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस आपका चलेगा। अब देखो कॉमन सी बात क्या है कि क्वेश्चन यहां से आना है या तो YDSE से आएगा या आपका सिंगल स्लिट वाले से आएगा, तो यहां जो ये 0 है ये पाथ डिफरेंस किसके लिए होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए होता है, जो केंद्रीय आपका उद्दिष्ट होता है, दोनों में कॉमन है, ये भी आपका सेंट्रल मैक्सिमा ही है, दोनों के लिए सेम है, पर ये जो कंडीशन अपन यहां यूज कर रहे हैं लैम्डा बाय 2 ये किसके लिए है, ये आपके व्यक्तिगत वाले में, ये आपका प्रथम निम्निष्ट फर्स्ट निम्निष्ट आपका बनता है, और ये जो लैम्डा है वो आपका सिंगल स्लिट वाले में भी फर्स्ट आपका मिनिमा है, बस ये डिफरेंस यहां से आप पकड़ना है, उसके बाद फिर कोई इश्यू नहीं है। जैसे ये सारे के सारे जो पार्ट डिफरेंस अपन लेंगे लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 ये सारे सारे आपके मिनिमा के लिए, तो लैम्डा है 2 लैम्डा है 3 लैम्डा ये सब किसके आ जाते हैं, ये आपके मैक्सिमम आ जाते हैं। यहां पर देखो ये जो लैम्डा है फिर 2 लैम्डा है 3 लैम्डा है ये सब किसके लिए, मिनिमा के लिए, और जो 3/2 लैम्डा जो फर्स्ट, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये आपका प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट कहलाता है। तो अब सेकंड के लिए अपन लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 5/2 लैम्डा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और ये आपका है सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब जब भी क्वेश्चन आप करते हो कि दोनों का अगर डिफरेंस मालूम है तो आप कहीं गलती नहीं कर सकते, आराम से क्वेश्चन को आप क्लिक कर जाएंगे। अब देखो आप क्वेश्चन को ऊपर पकड़ते हैं, तो क्वेश्चन था कि फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पे मिल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट हमारा है कौन सा, डिफ्रेक्शन वाला है, तो आपको तो इसे क्वेश्चन करना है, इसका तो इसे कर लेते क्या दिक्कत थी। अब देखो यहां पे इसको अपन यूज करेंगे तो ध्यान दें, कि जो फर्स्ट आपका था मिनिमा उसी कंडीशन क्या थी, देखो लैम्डा है, तो वहां पे आपका पाथ डिफरेंस देखो ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू है लैम्डा, ठीक है, ये पहली कंडीशन आपने ले ली। दूसरा ए साइन थीटा आपको फाइंड करना है, ये एंगल पोजीशन आपसे पूछ ली, और उसके लिए देखो क्या दे रहे थे हम लोगों को क्वेश्चन में, एक बार आ जाता हूं वापस, देखो आपको पूछा था फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उसका सर पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 3/2 लैम्डा हो गया, तो देखो इसको अपन लिखते हैं यहां पे 3/2 लैम्डा, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब हम कुछ नहीं करना, केवल इनसे थीटा फाइंड करना है, तो करते हैं डिवाइड इसको, तो डिवाइड करते हैं देखो हमारे पास ए से ए कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा ये आपका 1/2 है, चलो कर दो यहां पे 1/2 इज इक्वल टू, और यहां पे हमारे पास रहेगा 3/2,
ये 2 चला गया ऊपर तो 4 आ गया सर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा कितना हो जाएगा sin इनवर्स 3/4, तो आपका आंसर बहुत इजीली हो सकता है, कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ ऑप्शन हैज कम, ओके ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो मार नहीं खाएंगे। बढ़े सर आगे। जी सर। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन जो अपने 33 से लेकर के जो बाद वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे हैं एक तरह से मेलस लॉ पे है, जो अपन पढ़ते हैं ध्रुवण के अंदर। तो यहाँ एक बात पहले मैं आपको सिखा दूं, जैसे मान लो अपने पास ये कोई एक क्रिस्टल है जिसकी ये मान लो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस या इसको अपन कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, और इस पे हम कोई लाइट यूज कर रहे हैं। ये लाइट जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो आपकी है अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश में कह रहा हूं। और इसमें जो अध्रुवित प्रकाश में जो आपके लाइट के वेक्टर होते हैं इसको अपन ई वेक्टर कहते हैं, वो जो भी इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है उसकी जो डायरेक्शन है उसके सभी संभव दिशाओं में हमेशा इसके 90 पे यानी इसके परपेंडिकुलरली इसमें सब तरफ चारों तरफ इसके आपके ई वेक्टर की वाइब्रेशन होते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको अपन यहां से पास करेंगे तो यहां ध्यान ही रखना है कि जो अपने पास सामान्य अध्रुवित प्रकाश है अगर इसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है तो ऐसे में यहां जो इससे लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, पहले की आधी आई नॉट बाई 2। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे जो भी क्रिस्टल होगा जिसको पोलराइजेशन करना है, जिसको अपन कहते हैं पोलराइजर, जिसको अपन ध्रुवक कहते हैं, वो हमेशा उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का 50% भार आपका आउट हो जाएगा। पर ये जो भी है इसमें अब ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस के एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, तो एवरेज इंटेंसिटी यहां से बाहर निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमने मेलस के लॉ से ही फाइंड करी है, तो ये फिक्स ध्यान रखना है। पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो लाइट अपन इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी सामान्य अध्रुवित प्रकाश होना चाहिए। अब सुनो, ये प्रकाश तो सामान्य अध्रुवित है, और ये कौन सा आपका है, ये आपका ध्रुवित प्रकाश है जिसकी इंटेंसिटी आपतित की 50% रह जाएगी, ये अपन ने बात देख ली। अब इसमें मैं ये देखो कि जो ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस आने वाली, इसको मैं यहां पे आगे जो भी क्वेश्चंस लूंगा मैं ओनली इस एक्सिस को इस एरो से शो करने वाला हूं उस पे, और ये लाइट अपन जो इंसिडेंट कर रहे हैं, अब जो लाइट यहां से निकल रही है उसमें केवल और केवल आपके लाइट के कौन से वेक्टर होंगे, जो इसकी ऑप्टिकल एक्सिस के ठीक पैरेलल होंगे, ठीक है साहब। तो यहां से अपन बाहर आते हैं। अब देखो मान लीजिए, अब मैं यहां पर एक दूसरा क्रिस्टल और यहां ले लो मान लो, और उस क्रिस्टल की ये ऑप्टिकल एक्सिस है और ये इस पे लाइट इंसिडेंट होगी, और अगर मैं इसको थोड़ा सा किसी एंगल से कर दूं रोटेट, तो अगर इसको मैं यहां देखो ऐसे बना दूं, ये मैंने किसी एंगल से रोटेट कर दिया है। अब ध्यान देना, ये तो है इसकी जो फर्स्ट वाला था ना आपका फर्स्ट वाला उसकी ऑप्टिकल एक्सिस, इसको फर्स्ट मान लेता हूं, और ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट के साथ सेकंड जो है मान लो थीटा एंगल पे है जी। तो ऐसे केस में जो भी लाइट अब इससे पार होने वाली है, जो लाइट इससे बाहर निकलेगी उसकी जो इंटेंसिटी पर निकालते हैं उसको मैं आई लिख रहा हूं, वो होती है जो इस पे इंसिडेंट है उसकी कितनी, आई नॉट बाई 2 जी, आई नॉट बाई 2, और इसको अपन लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी आप इसमें लॉ लगाएंगे तो आप ये इसी को हम कहते हैं मेलस का नियम। तो लाइट कौन सी इस पे इंसिडेंट हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये सिंपल लॉ हो गया, तो ये हमारे पास सेकंड वाला था, इसको अपन कहते हैं यहां पर एनालाइजर, विश्लेषक हिंदी में। अब ये विश्लेषक जो है वो क्या करेगा कि इस बात को बताएगा कि इस पे जो गिरने वाला प्रकाश है वो किस प्रकार का होगा, वो आपका ध्रुवित होता है या अध्रुवित, उसको ये पहचान कर सकता, डिटेक्ट कर सकता है। इसको अपन यहां रोटेट करेंगे, तो मान लीजिए इसको मैं यहां से यहां ले आऊं, तो एंगल 90 हो गया पहले वाले रेस्पेक्ट में, cos 90 कितना होता है 0, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। वापस इसको मैं यहां से यहां ले आता हूं, तो एंगल कितना हो गया मान लो 180 हो गया 0 हो गया, तो वहां cos 0 180 कितना आपका 1 होता है, तो इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम I/2 यहां से पार हो जाएगी। इसको वापस कर दूं 270 पर तो फिर कितनी 0 हो जाएगी, फिर यहां कर दूं तो वापस मैक्सिमम हो गई। तो अगर इसको अपन एक चक्कर में रोटेट करवाएंगे तो थ्रू वन साइकिल इसको अपन जैसे रोटेट करवाते हैं तो हम क्या देखेंगे, एक चक्कर से घुमाने पे जो इसकी इंटेंसिटी है आउटपुट वाली वो क्या करती है, दो बार होती है मिनिमम, दो बार होती है कैसी, मैक्सिमम।
अगर दो बार मिनिमम होते समय जीरो हो रही है तो जो लाइट इस पे गिरने वाली है वो आपकी परफेक्ट यानी 100% आपके कैसे ध्रुवित है। और अगर मान लो आप इसे घुमा रहे हैं ऐसे, वो घुमाने में लाइट कम तो हो रही है, ज्यादा भी हो रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, तीव्रता में दो बार बदलाव हो भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, अधिक भी हो रहे हैं, उस केस में अगर न्यूनतम जीरो नहीं होता है तो जो लाइट इस पे गिरती है वो आपकी कैसे होगी, आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगी। और आप इसे घुमाते जा रहे हो और प्रकाश कितनी तो निकट निकल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका लाइट कौन सी गिर रही है सर, वो आपका हो गया सामान्य अध्रुवित प्रकाश हो गया। तो कौन सा लाइट इसे गिरने वाली है उसकी प्रकृति अपन यहां पता कर सकते हैं, सामान्य अध्रुवित प्रकाश है, आंशिक ध्रुवित है, या पूर्णतः आपका ध्रुवित प्रकाश है, उसकी पहचान कर सकते हैं। अब देखो इसी में एक बात आपको और ऐड करेंगे, पहले बाद में सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। जैसे मान लो ये फर्स्ट आपका पोलराइजर है, इस पे लाइट अपन ने की इंसिडेंट, उसकी इंटेंसिटी मान लीजिए कितनी आई नॉट है, तो लाइट जो इससे निकलने वाली वो तो आपकी कितनी होगी, आई नॉट बाई टू होगी। अब मान लो ये है आपका विश्लेषक, मैं इस विश्लेषक को थीटा एंगल पे रख रहा हूं, या एक बात इसको इस तरह समझे आप कि मान लो ये तो फर्स्ट आपका है दुर्वक, इस पे लाइट गिर रही है इंटेंसिटी आई नॉट की, लाइट इससे बाहर निकली वो होगी कितनी, आई नॉट बाई टू होगी। अब ध्यान दो कि मेरे पास इसे, इसको मैं कह रहा हूं ए, और एक मेरे पास दूसरा और है, उसको रखा अपने 90 पर ही क्रॉस कंडीशन में, तो उसको मैं यहां डॉट के रूप में शो कर रहा हूं, ये आपकी कागज की लंबवत इस तरह से है। अब अगर इसको फर्स्ट ए मान लो, इसको मैं बी मान लो, तो ए की एक्सिस तो सर यहां है, बी की एक्सिस कौन सी आपकी, ये हो गई, दोनों की भी एंगल कितना आपका 90 होगा, इसलिए अभी जो लाइट यहां से बाहर निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी, जीरो है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहा हमको कि हमने इसके ठीक बीच में एक सी और पुट कर दिया, सी और हमने पुट किया, तब सी को अपन पुट कर रहे हैं, तो देखो सी को मैं ऐसे कर रहा हूं कि वो ए के साथ थीटा एंगल पे है, सी को हमने ए के साथ थीटा एंगल पे पुट कर दिया, तो एक पे अब देखो ए में और इसको मैं सी कह रहा हूं, तो ए और सी की जो एक्सिस है उनमें एंगल कितना सर हो गया, थीटा हो गया, तो और ये लाइट इस पे हो रही इंसिडेंट, तो जो लाइट इससे पार निकलने वाली है उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू, और ये हो गया इनमें एंगल कितना आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कि ये जैसे अपन बात करें, ये तो आपका था फर्स्ट ए, ये है आपका सेकंड बी, और सी यहां है इस एंगल पे, तो अगर यहां फर्स्ट और जैसा आपका फर्स्ट और सेकंड में एंगल आपका थीटा है, तो सेकंड और आपका थर्ड में एंगल कितना हो गया, 90 माइनस का थीटा हो गया। अब ये जो इंटेंसिटी ये वाली, ये इस पे हो रही इंसिडेंट, और लाइट यहां से बाहर निकलेगी उस पे देखो कितना हो, देखो कि I not by 2, और cos स्क्वायर तो ओनली आपतित है, इंसिडेंट है, इनटू क्या करता हूं cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का sin थीटा होता है, तो आप इसको पढ़ लेते हैं sin स्क्वायर थीटा, ये इसकी आउटपुट की इंटेंसिटी हो जाएगी, जिसको मैं यहां कह रहा हूं मान लो i डैश, ये आपको आंसर में मिल जाएगी। अब देखो इसी को अपन लिखें, तो ये जो आपका i आउटपुट आउट हो रहा है वो एक तरह से होगा, देखो i नॉट बाय 2, और इसको अपन लिख दे यहां पर देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा नहीं, तो इसको अपन ऐसे कर देंगे साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये अपन कर सकते हैं। अब इसी में अगर मान लो इसको अपन ऐसे कर दें कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से अपन करें डिवाइड, इस 4 को अपन यहां इसमें ले लें, तो क्या हो गया 2 साइन कोस का स्क्वायर हो गया, और इस 4 को इसके पास ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है i नॉट अपॉन 8, और ये हो गया आपका साइन, और 2 साइन कोस क्या हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख दो छे बन गया i नॉट अपॉन 8, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये इतना पॉसिबल है, यहां तक अपने नीट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये इतना तक अपन को याद होना चाहिए। अब क्वेश्चंस आराम से अपन सारे कर सकते हैं। देखो अब आते हैं अपन क्वेश्चन में, ये कह रहा है ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट is incident normally on a tourmaline plate. Its E vector make an angle of 60 degree with the optical axis of the plate. Find the percentage difference between initial and final intensities. तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं। देखो ये कह रहा है
कि बिल्कुल समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्यान सुना दो ढंग से, प्रकाश किस प्रकार का समतल ध्रुवित है वो हम किसी टर्मिनल क्रिस्टल पे जो कि एक आपका पोलराइजर होता है उसमें कर रहे इंसिडेंट। तो मान लो ये मैं सिर्फ इतना शो कर रहा हूँ कि ये जो अपने पास जो था टर्मिनल है ना उसकी एक्सिस है ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस में ले रहा हूँ उसको, और इस पे अपन लाइट है वो गिरा रहे हैं, और उस लाइट की जो लाइट वेक्टर ई जो है वो क्या कर रहा है, वो इसके साथ कितना एंगल पे है। देखो जैसे मैं इसको यूं शो कर दूं, ये लो साहब ये यहाँ पे थीटा है वो 60 पे आप इसको कर रहे हैं इंसिडेंट, तो अब उसकी जो इंटेंसिटी आपको दी जा रही है वो कितनी है साहब, आई नॉट, इसकी इंटेंसिटी का लाइट इस पे हो रहा है इंसिडेंट। ये सुन कोई बार ढंग से वापस पढ़ लेते हैं। देखो एक समतल ध्रुवीय प्रकाश टर्मिनल प्लेट पर सामान्य रूप से आवेश होता है जिसका ई वेक्टर है वो प्रकाशित से 60 विकिरण बनाता है, तो शुरुआती और अंतिम तीव्रता का अंतर होगा, तो शुरुआती तो कितनी आपकी आई नॉट है। अब जो इससे लाइट बाहर निकलेगी इनमें एंगल कितना 60 का है, तो क्या बताओ आई नॉट इनटू कॉस स्क्वायर, और इसे डिवाइड कर देंगे अपन इसको, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 1/4 हो गया। तो देखो यही पता लग गया, ये है तो आपतित, ये कौन से आपकी अंतिम, ये आरंभिक और ये अंतिम, अंतिम कितनी पहले की 25% हो गई, 25% हो गई, तो इनका फर्क हो गया, तो फर्क हो गया 75%, तो इसका आंसर कौन सा हो गया सर, थर्ड हो गया। ओके बच्चों ठीक है यहां तक, अब तो यहां बस ये एक अकेला ही है, इसमें कोई दो नहीं है ना, और आपतित कौन सा आपका ध्रुवित है, और निकलने वाला भी ध्रुवित ही है, और अच्छा ध्रुवित है उसमें, तो बढ़िया है सर जी, आप बिल्कुल। अब जो अपनी बातें करिए सर उसको काम में लेना है, जरा कोई इसमें इशू नहीं है। देखो आप क्या कर रहा है, ए बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स ऑन ए सिस्टम ऑफ 5 पोलराइड्स व्हिच आर अरेंज्ड इन द सक्सेशन सच दैट द पास एक्सिस ऑफ ईच पोलराइड इज टर्न्ड थ्रू 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग वन, द फ्रिक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंटेंस दैट पास थ्रू द सिस्टम ईच। तो देखो क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि मान लो ये फर्स्ट आपका P1 है पोलराइजर, इस पे अपन लाइट गिरा रहे हैं, ये लाइट कौन सी है, ध्यान से समझ लो, सुन लो, देखो ए बीम ऑफ नेचुरल लाइट अद्वितीय प्रकाश, सामान्य प्रकाश है, तो सामान्य प्रकाश अगर है तो देखो इसकी इंटेंसिटी पर मान लेते कितनी आई नॉट। अब इसको आई नॉट मानने के बाद ये तो एवरेज इंटेंसिटी करेगा पास, वो कितनी है आई नॉट बाई 2, ये फिक्स ध्यान कर लो। उसके बाद जो फर्स्ट ध्यान दो इसमें, इस फर्स्ट के साथ जो P2 हम लोग लिख रहे हैं वो क्या कर रहा है, इनिशियल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो अब जो यही बस प्रोसेस है बाकी सब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो लाइट इसमें गिर रही है उसके साथ 60 डिग्री कोण पे है, तो आप देखो ये मैलस का लॉ कहता है आई नॉट बाय 2 इनटू कॉस स्क्वायर 60 1/4 का, तो 1/4 हो गया बस, यानी अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट है उसके साथ सेकंड 60 बना रहा है, फिर सेकंड के साथ थर्ड वाला 60 बना रहा है, फिर थर्ड के साथ फोर 60 बना रहा है, तो क्या करेगा वो, तो 1/4 उसकी इंटेंसिटी कम कर चला जाएगा। तो ये देखो फर्स्ट पे तो कौन सी, फर्स्ट पे आप तो है आई नॉट, और निकलने वाली कौन सी आई नॉट बाय 2, सेकंड पे आप ये निकलने वाली ये, इस तरह से केवल अब हमको मैं इसको इतना कर रहा हूं P3 और ये आपका P4 और ये P5, तो इससे जो लाइट निकलती है ये जो अपने पास थी आई नॉट बाई 8 इसकी बाई 4 उसका हो गया बाई 4, तो इसको अपन कर दें आई नॉट बाई 8 इनटू 1/4, इसको अपन लिखें तो ये आपकी आई नॉट अपॉन कितना 32 हो गया सर, इनटू कितना 1/4, और इसमें जो निकलने वाली है आई नॉट अपॉन 128 हो गया इनटू कितना 1/4, तो ये हो गया सर 512। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं जो आउटपुट आपको मिलने वाली इंटेंसिटी वो है देखो आई नॉट अपॉन 512। वैसे यदि आप रेडियो एक्टिविटी पर ढंग से पढ़ते हो तो वहां पर 2 की जो पावर होती है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते करते आप 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 करते हो, तो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं वहां 2 की पावर 10 कितने 1024 होती है उसका ठीक हाफ है कौन सा 512, फिर उसका ये तो प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए, फिर नीट का बच्चा है तो उसको तो बहुत ये 24 आवर जीते जितने मरते खाते पीते जब भी आप उस समय लेना ये चीजें याद होनी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है सर, इसका आंसर अपना कौन सा हो गया, फोर्थ 1/5/2। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए सर, 2 polars आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, अपने पास 2 polars हैं एंड 2 ध्रुवकों को आई नोड तीव्रता के ध्रुवित प्रकाश के मार्ग में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीयक ध्रुवक से कोई प्रकाश नहीं निकलता, जैसे अभी अपन ने बात की थी बिल्कुल
एक को रखा है अपने यूं, एक रखा है अपने 90 पे, तो जो प्रकाश इस पे गिरेगा वो तो आई नॉट बाई टू हो जाएगा, पर इससे निकलेगा एंगल के 90 होने से वो पास नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी जीरो आ जाएगी। इसको हम कहते हैं क्रॉस्ड अरेंजमेंट, क्रोशित व्यवस्था कहलाती है, और इसको अपन कहते हैं समांतर व्यवस्था। समांतर व्यवस्था में प्रकाश निकलता है मैक्सिमम, और इसमें निकलता है आपका न्यूनतम, कितना जीरो निकलता है। तो ये कह रहा है कि इस तरह की व्यवस्था है। अगर एक तीसरा ध्रुवक इन दोनों के बीच इस प्रकार रखा जाए कि तीसरे ध्रुवक की अक्ष पहले से थीटा कोण बना था, तो अपन अभी क्या था, ये तो ये होगा, देखो बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको तो अपन करेंगे, क्यों बच्चा पहले कर लेगा, बढ़े आगे, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स फर्स्ट ऑन पोलराइजर एंड देन ऑन एनालाइजर इफ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द एनालाइजर इज 1/8 that of the incident unpolarized light, what will be the angle between optical axis of P and A? तो हमको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बातें अपने सारे सीख लिए, बस अपने ओनली उसको अप्लाई करना है। और बस क्वेश्चन से मैं लिए होता है कि ढंग से भी, मैं तो मेरे जो टीचर्स थे उनसे ये सीखा था कि ढंग से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी आपको आनी चाहिए। दूसरी बात है कि उसमें क्या गिवन है, क्या उसमें आपको फाइंड करना है, वो ढंग से आना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना ही नहीं आ रहा तो आपको कितनी कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कितना ज्ञान हो भरा पड़ा हो कोई काम का नहीं है। ढंग से पहले अच्छे बच्चों की तरह से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना सीखें। कभी ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन को पढ़ो ही नहीं और क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ें ढंग से, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें। तो कह रहा है कि एडमिट प्रकाश सर्वप्रथम ध्रुव पी पे गिरता है। मान लो जैसे ये आपके पास एक है पोलराइजर और दूसरा ये है इसमें एनालाइजर, ठीक है साहब, और प्रकाश जो निकलता है वो कितना 1/8 है। तो जैसे तो सेकंड है उसको मैंने इसके साथ थीटा कोण पर, जो पी है इसको अपन कह रहे हैं एनालाइजर, वो यहां से थीटा कोण पे अपन ने रोटेट कर रखा है। अब जो लाइट इस पे गिर रही है उसको देखें, वो तो हमारे पास है आई नॉट इंटेंसिटी की, बिल्कुल पोलराइजर तो सिर्फ उसकी आधी इंटेंसिटी बाहर निकालेगा, I not by 2 आ गई। अब जो इस पे पर लगाते हैं मेलस लॉ, तो देखो I not by 2 into क्या हो जाएगा cos square theta, और वो दे रखा है अपने को I not by 8। अब सिर्फ अपने को एंगल है वो दोनों के बीच का फाइंड करना है, तो इसको अपन इसे उड़ा देंगे, चलो छोटा कितना हो गया 1/4 हो गया, cos square equal to 1/4 मतलब cos कितना हुआ 1/2, और cos 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करेक्ट। अच्छा अब आ गया अपना, ये शायद इसका अंतिम प्रश्न है वो आ चुका है, तो इसको देखें भाई क्वेश्चन है, टू बीम्स ए एंड बी ऑफ फेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ध्यान से देखो, प्लेन पोलराइज्ड यानी ध्रुवित प्रकाश है, तो जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना उन सब में पहले ढंग से पढ़ लिया करो कि जो पहला प्रकाश आपको दिया जा रहा है वो कहीं अध्रुवित है या ध्रुवित है, उसको ढंग से पढ़ लेना है। तो पहला कौन सा आपका प्लेन पोलराइज्ड है। अच्छा फिर कह रहा है लाइट विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन आर सीन थ्रू ए पोलराइड फ्रॉम द पोजिशन व्हेन द बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी and beam B has zero intensity, a rotation of polaroid through 30 degree makes the two beams appear equally bright if the initial intensity of the two beams are IA and IB, then आपको निकालना है ratio of IA and IB। तो प्रश्न बहुत ही पहला, देखो लैंग्वेज अभी समझ नहीं है मेरे को, तो वापिस पढ़ता हूँ। देखो मैं ये कह रहा है कि ध्रुवण के अन्योन्य लंब और तलों वाले समतल ध्रुवीय प्रकाश के दो पुंज, आपके पास दो लाइटें हैं, तो दोनों हैं कैसे, दोनों में प्रकाश आपका अध्रुवित नहीं है ध्रुवित है, तो मान लो एक की प्रकाश की ध्रुवता तो इस तरफ है मान लो, है ना, और दोनों कैसे कह रहा है कि दोनों 90 पर है म्यूचुअली, तो एक की इस तरफ से, दो प्रकाश इस प्रकार के हैं, एक का तो ई वेक्टर इस तरफ है, एक का ई वेक्टर आपका इस तरफ से, ठीक है। अब उनको अपन क्या करते हैं, किसी पोलर से अपन देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उस स्थिति में जहां पुंज एक की तो अधिकतम तीव्रता एक पे तो रखा है, जो पोलर है वो पैरेलल है, और दूसरा कैसे शून्य तीव्रता का है। ओके, तो अब क्वेश्चन अपने समझ में आ गया। तो देखो क्वेश्चन है वो अपना इस तरह से है कि ये कोई मान लो अपने पास एक पोलराइजर है पी,
और ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, और हम लोग यहाँ जो लाइट यूज कर रहे हैं, दो लाइट बीम है, एक ए और दूसरी है बी। अब देखो जो ये दोनों लाइट हैं कैसी, ये पोलराइज्ड है, इसका मतलब जैसी कंडीशन दे रखी उस हिसाब से अपन देखें तो फर्स्ट जो है उसको अपन देख रहे हैं इससे, यानी आप यहां से इसको देख रहे हो तो आपको तीव्रता दिख रही है मैक्सिमम, मैक्सिमम तीव्रता एक ही, एक ही ओके, और बी की दिख रही कितनी, जीरो जीरो दिख रही है। इसका मतलब इसकी जो पोलराइज्ड लाइट है वो जो इसकी एक्सिस है बेटे जी वो कैसी है, वो इसके समांतर है, और इसकी कैसी है वो लंबवत है, इसके मैं डॉट के रूप में शो कर रहा हूं, यानी इसकी ऑप्टिकल एक्सिस और इसका लाइट वेक्टर ये आपस में 90 पे, इनमें एंगल कितना आपका 90 डिग्री का है और इसमें एंगल कितना है 0 डिग्री का, ये इसमें खास बात थी क्वेश्चन की, इसलिए ये जो ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसको जो इंटेंसिटी, तो अगर इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो इसको कितना समझ में आएगा मैक्स आई नॉट ही, और इसको कितना आएगा जीरो। अब कुछ नहीं कह रहा है कि ये इंटेंसिटी आपकी आई नॉट नहीं है, ये है आई ए और ये दे रखा है अपने को आई बी, ये दो इंटेंसिटीज है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तो इसको देखेंगे तो मैक्सिमम ये कितनी आपको दिख रही है जीरो। अब इसने क्या करा कि इससे पोलराइज जो है उसको पहले थीटा एंगल से रोटेट किया और एंगल दे रखा है आपने कितना 30 डिग्री, एंगल था 30 से इसको रोटेट किया, तो 30 से रोटेट अपन ने किया, तो जैसे मान लो कि इसको हमने इनिशियल के रेस्पेक्ट में 30 से रोटेट करवा दिया, तो रोटेट करने के बाद अब जो इंटेंस जो लाइट इस पे गिर रही है उसकी तीव्रता, हाँ, और जो प्रकाश इस पे गिर रहा है उसकी तीव्रता जो है वो दोनों की बराबर फील हो रही है। तो अब बताओ मुझे इसकी अपन जो इंटेंसिटी आउटपुट की निकालेंगे वो है कितनी, उसको मैं कह रहा हूं आई ए डैश, तो वो आई ए तो थी इस पे इंसिडेंट, ठीक है, और एंगल कितना दोनों बीच 30 डिग्री हो गया, तो कर देंगे इसको अपन कोस स्क्वायर 30 डिग्री, पर ये तो रखा है कैसे 90 पे ऐसे आए, तो ये एंगल आप देखो कितना है 60 हो गया, बिल्कुल, अब 30 जो है वो हमने कम किया एक्चुअली, 30 तो कम किया रह गया 60 रह गया बिल्कुल, यानी इनकी जो यानी इसकी जो लाइट इसका जो ई वेक्टर है और जो इस वाले सेकंड वाले का जो हमारे पास कौन सा है ऑप्टिकल एक्सिस, उनके बीच रहा एंगल कौन सा, सर ने बोला वो कितना 60 रह गया, 30 से अपन उसको एंगल कम कर दिया, तो यहां जो अपन निकालेंगे आई बी डैश वो हो गया देखो आई बी इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों जो आउटपुट है वो आपस में कैसे बराबर है, आई ए डैश इज इक्वल टू आई बी डैश, तो कोई इश्यू नहीं है आप इसको बराबर कर दो तो हो गया आई ए। अच्छा कोस 30 कितना होता है रूट 3/2 और इसका स्क्वायर करना है 3/4, तो उसको अपन लिखते हैं 3/4 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना आई बी, और cos 60 कितना था 1/2 cos स्क्वायर 1/4 ये लो साहब 1/4 4 से 4 कैंसिल, तो IA अपॉन IB हो जाएगा 1/3 ओके। तो इसी के साथ आप इसका आंसर देख लें कितना 4th इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये गुणनति समाप्त होती है, और ये आप देखो ये अपने गुणनति का लास्ट एपिसोड है 45। तो आप देखें हम लोगों ने लगातार एक सीरीज के माध्यम से 1 से लेकर 45 गुणनति का पूरा एक बहुत शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करा है, आप इसको एंजॉय करें, जो भी इसमें चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसको उसकी जो खुशबू है वो पूरे बाहर फैलाएं, क्योंकि अब जो आपका समय जो अभी है बहुत विपरीत काम चल रहा है, उसमें जितना आप सीखेंगे तो नीट मोक का उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है, आप फायदा उठाएं और अपने मित्रों को भी इसका फायदा उठाने का आप मौका दे दें। तो सर करें इसको समाप्त, बिल्कुल सर ओके थैंक यू, जय सी एल सी, जय सी एल सी।